की इक्वेशन निकालनी है हमें, इसके सरकम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि यार ये ए बी की इक्वेशन निकालता हूं, ए बी की इक्वेशन निकालने के बाद मैं ए और बी पॉइंट निकालूंगा सर्कल में सब्सटीट्यूट करके, लाइन और सर्कल को सॉल्व करके, तो पी मेरे को दिया हुआ, ए और बी मेरे पास निकल जाएंगे, तीन पॉइंट्स आ गए, तीन पॉइंट से मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। पर बेटा सोचो मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, इतना बड़ा क्वेश्चन तो ये नहीं होगा। अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। ए बी एक लाइन है जो सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ए बी एक लाइन है जो सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन से ही तो सर्कम सर्कल बनेगा, ए बी जो है वो सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल जो होगी वो क्या होगी, एस प्लस लैम्डा एल, एस प्लस लैम्डा एल, एस प्लस लैम्डा एल होगी। और इस इक्वेशन, ये जो ए बी इक्वेशन है, ये क्या होगी, टी इक्वल्स टू जीरो। ए बी इक्वेशन मेरे को चाहिए तो वो मेरे पास आ जाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन से। अगर बाहर वाले पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स मैंने मारी है तो आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी और उसकी इक्वेशन दी जाती है टी इक्वल्स टू जीरो से। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई यानी कि लाइन आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, तो एस प्लस लैम्डा एल आ गया। दिस विल बी माई सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी। अब ए और बी से तो पास कर रहा है, ये श्योरिटी मेरे को मिल गई, पर पी से भी पास करना चाहिए तभी सर्कम सर्कल बनेगा। तो पी पॉइंट को इसके अंदर सेटिस्फाई करवा देते हैं, लैम्डा आ जाएगा, हमारे बात बन जाएगी, एज इजी। ट्राई कीजिए, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स माइनस फोर वाई माइनस इलेवन प्लस लैम्डा टाइम्स एल मेरे को चाहिए। तो एल इज माई टी इक्वल्स टू जीरो, एल इज माई टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो निकालते हैं। एक्स एक्स वन यानी कि एक्स इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई वाई वन, एट इंटू वाई माइनस सिक्स एक्स का हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन बाई टू माइनस फोर वाई का हो जाएगा वाई प्लस वाई वन बाई टू, टी इक्वल्स टू जीरो में यही करते हैं। वाई वन हमारे पास दिया हुआ है, वाई प्लस वाई वन है हमारे पास एट, एट बाई टू माइनस इलेवन, इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स प्लस एट वाई माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, ये टू बनेगा तो माइनस टू वाई माइनस सिक्सटीन माइनस इलेवन इक्वल्स टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स वाई, ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस सिक्स वाई हो जाएगा और सिक्सटीन के साथ आ जाएगा माइनस नाइनटीन। एक्स प्लस एक्स वन बाई टू माइनस फोर वाई प्लस वाई वन बाई टू माइनस इलेवन, अच्छा इलेवन भी तो है, इलेवन के साथ माइनस नाइनटीन होएगा तो माइनस थर्टी बन जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई, तो यहाँ पे डाल देता हूँ एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो। एस प्लस लैम्डा एल से मेरे पास यानी कि सर्कल पासिंग थ्रू ए और बी आ चुका है, सर्कल पासिंग थ्रू ए बी आ गया है तो उस पर पी पॉइंट से अगर मैं इसको सेटिस्फाई करवा दूं या पास करवा दूं तो मेरे पास सर्कम सर्कल ऑफ लैम्डा टाइम्स वन माइनस थ्री इंटू एट प्लस फिफ्टीन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको सॉल्व करना है हमें, बस ये सॉल्व हम कर सकते हैं, वन प्लस सिक्सटी फोर माइनस सिक्स माइनस थर्टी टू माइनस इलेवन प्लस लैम्डा टाइम्स एट थ्री से ट्वेंटी फोर सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बनेगा माइनस सिक्स माइनस थर्टी एट और ये माइनस टेन, माइनस थर्टी माइनस फोर्टी एट, फोर्टी एट ये बन जाएगा हमारे पास सिक्सटीन और ये थर्टी एट, थर्टी एट और टेन हमारा बन जाएगा फोर्टी एट माइनस का ना, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ये बन जाएगा माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा यहाँ से टू, लैम्डा टू आ गया है। लैम्डा को हम वापस इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर सकते हैं आराम से और हमारे पास सर्कम सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस सिक्स एक्स
माइनस फोर वाई माइनस इलेवन प्लस टू डाल के बन जाएगा टू एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इक्वल्स टू जीरो, विच विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिक्स के साथ माइनस फोर एक्स, माइनस फोर के माइनस टेन वाई, और ये बन जाएगा प्लस 19 इक्वल्स टू जीरो. दिस इज माई आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, सॉरी ऑफ दिस क्वेश्चन. सर्कम सर्कल ऑफ पी ए भी निकालने के दो तरीके थे. एक बड़े वाला था जहाँ पे हम ए बी निकालने के बाद पी पॉइंट के साथ तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन निकालें. दूसरा तरीका था फैमिली ऑफ लाइंस को यूज करके. तो फैमिली ऑफ लाइंस मेंस में काफ़ी दफ़ा यूज होता रहता है, आपको उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो कि हम अभी कर रहे हैं. तो बी सिंसेयर. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइए फटाफट. एवरीवन बताइए जल्दी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? कमेंट हरी अप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं. ये रहा, ये क्वेश्चन कीजिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे. इसमें एक अलग कंसेप्ट लग सकता है आपको. मैं 3 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई कीजिए. कंसाइक्लिक पॉइंट्स हैं, यानी कि एक ही सर्कल पे पॉइंट्स लाइक कर रहे हैं. अगर एक ही सर्कल पे पॉइंट्स लाइक करते हैं तो क्या कंडीशन होती है, पहले तो वो हमें निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में. ट्राई कीजिए आप ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी नाइस इट इज. करिए फटाफट. दो लाइंस हैं, एक्स और वाई एक्सिस को कंसाइक्लिक पॉइंट्स पे काट रही है, यानी कि दो लाइंस कंसाइक्लिक पॉइंट्स पे काट रही हैं. कहने का मतलब है ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाए, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाए. एक लाइन ऐसे काट रही है, एक लाइन ऐसी है, और एक लाइन ऐसी है. ये पॉइंट हो जाएगा एक, एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, और एक पॉइंट ये. चार पॉइंट्स कंसाइक्लिक है. तो मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट एक बार बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो. इस लाइन की इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो. इस लाइन की इक्वेशन को मैं मान लेता हूँ ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो. मान लिया. तो मेरे पास ये पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ, इसको क्यू मान लेता हूँ. ए बी PQ, और ये जो हमारा ओरिजिन है उसको मैं O मान लेता हूँ. तो P पॉइंट मेरे पास क्या बन जाएगा, Y को जीरो कर दूंगा मैं यहाँ पे. तो माइनस सी वन बाय ए वन कॉमा जीरो. क्यू पॉइंट क्या बन जाएगा, X को जीरो कर दूंगा. तो जीरो कॉमा माइनस सी वन बाय बी, ये बन गया. ऐसे ही A पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पे X को जीरो कर दूंगा तो A पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी जीरो कॉमा माइनस सी टू अपॉन बी टू. ऐसे ही बी पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास, वाई को जीरो कर दूंगा तो माइनस सी टू अपॉन ए टू कॉमा जीरो. तो बेसिकली बच्चे अगर देखा जाए इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ पी ओ क्यू. इन दो ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, ए बी ओ एंड पी ओ क्यू की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंड ये वाला जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा. एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू. क्यों होगा, क्योंकि ए पी जो आर्क है ए पी ही एंगल सबटेंड कर रही है बी पे, और ए पी ही एंगल सबटेंड कर रही है क्यू पे. एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये आपको याद रहनी चाहिए प्रॉपर्टी. एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल बी, क्यों, एंगल्स सबटेंडेड सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. आर इक्वल ये जो आर्क है ए पी,
ये आर्क क्यू पे एक एंगल सबटेंड कर रही है और यही आर्क ए पी बी पे भी एंगल सबटेंड कर रही है, तो सेम सेगमेंट में एंगल सबटेंड कर रही है तो ये इक्वल हो गए। अब यहां से मैं बोल सकता हूं, और यहां पे मैं ये भी लिख देता हूं, ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू पी ओ क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है तो वो इक्वल होते हैं, ये आपको पता है। यानी कि दो ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूँ, दो एंगल सेम हो गए, इसका मतलब वो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू, ए बी ओ इज सिमिलर टू पी क्यू ओ ए बी ओ, इसको उसके ऊपर रखेंगे तो एज इट इज मैच कर जाएगा, तो ए बी ओ पी क्यू ओ। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ए ओ बाई पी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ बाई क्यू ओ, ए ओ बाई पी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ बाई क्यू ओ। एंगल्स ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी ही होंगी, तो इसको सॉल्व करते हैं, ए ओ इंटू ओ क्यू इज इक्वल्स टू बी ओ इंटू पी ओ। अब ए ओ की लेंथ कितनी है, ए ओ की लेंथ है माइनस सी टू बाई बी टू मैग्नीट्यूड। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है माइनस सी वन बाई बी वन। सिमिलरली बी ओ कितना है, बी ओ है माइनस सी टू अपॉन ए टू। एंड पी ओ कितना है, पी ओ है माइनस सी वन बाय ए वन। लेंथ की बात हो रही है तो मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने, माइनस साइन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी यहाँ पे। C1 C2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास कंडीशन बनी A1 A2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B1 B2 का मैग्नीट्यूड, दिस इज द कंडीशन। यानी कि अगर दो लाइंस कंसाइक्लिक पॉइंट्स पे आपके सर्कल को कट कर रही हैं तो कोफिशियंट ऑफ x का प्रोडक्ट का मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ y के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस। तो यही कंसेप्ट अगर मैं इस क्वेश्चन में लगाता हूं तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा, आप लोग अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये बन जाएगा माइनस थ्री इंटू टू का मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू बी इंटू सी का मॉड्यूलस विच विल बी इक्वल टू सिक्स। यानी कि बी सी की वैल्यू जो है वो आ गई है सिक्स। ये कंसेप्ट आपको ध्यान होनी चाहिए बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप अपनी फॉर्मूला कॉपी या कोई भी कॉपी है जिसको आप रिवाइज करते हैं रेगुलरली उसमें आप लिख सकते हैं ताकि ये आप याद रख सके। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस चीज में तो प्लीज बताइए अभी, एनीबॉडी नो, ओके आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ दो सर्कल्स विच टच द सर्कल जो गिवन है एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टच द एक्स एक्सिस। मतलब एक सर्कल है जो गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, उसका सेंटर जो है वो किसके ऊपर लाई करेगा। यानी कि बेसिकली इसने इनडायरेक्टली लोकस पूछा है, आपको सेंटर का लोकस बताना है उन सर्कल्स के जो सर्कल गिवन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द सर्कल जिसका सेंटर का लोकस हमें निकालना है। यू हैव टू मिनट्स, वेरी इजी क्वेश्चन, जेई मेन 2016 का क्वेश्चन है, करिए अटेम्प्ट फटाफट। बच्चे आपको जो मैं टाइम देता हूं ना उसमें आप अपना 100% दिया करो क्वेश्चन को, 100% मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोच ही रहे हैं क्या करें, पेन ही नहीं उठ रहा यार, लिखा ही नहीं जा रहा, सोचा ही नहीं जा रहा। जो भी आपके दिमाग में पहली थॉट आती है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, पहली थॉट जो आती है उसको पेन डाउन करो कि भाई टेंजेंट है, टेंजेंट के बारे में सोचने लगो। सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स हमने पढ़ा था, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल में एक्सटर्नली टच करता है तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर विल बी इक्वल टू R1 + R2। एक यहाँ से कंसेप्ट आना चाहिए, टेंजेंट है तो एक कंसेप्ट बनना चाहिए, टेंजेंट की सारी इमेजेस सामने आ जानी चाहिए। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है,
वो भी दिमाग में आना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती रहनी चाहिए। पेन डाउन करो हर चीज को, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको पेन डाउन करो। संस्कृति डी आंसर दे रहे हैं आप, सर्कल। अच्छा बेटा, चालाकी बेटा, सर्कल चैप्टर पढ़ रहे हो बट आंसर इसका सर्कल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा ख्याल है। जेई मेन 2016 में है तो मेरे ख्याल से इसका आंसर देखते क्या आता है, पर सर्कल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। वैसे संस्कृति ने एक आंसर दिया है, डी आंसर। और किसी का कुछ आ रहा है? एनीवन? लास्ट टू मिनट्स लेफ्ट। मैं आपके लिए इतने छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आप लोग समझ सकें इसको, ये कहना क्या चाह रहा है प्रश्न। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल और इसको एक्सटर्नली, इसका सेंटर हमारे पास आ जाएगा 4.4, इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा 16 + 16 + 4 और रूट दैट इज 6। ये रेडियस है 6, ये h, k है, ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हमें अब बताना है क्या सिनेरियो बनेगा। संस्कृति, आपने आंसर चेंज कर दिया है, अ पैराबोला। ओके, पैराबोला आप संस्कृति ने आंसर चेंज कर दिया है जी, तो पैराबोला करते हैं इसको। तो पैराबोला आंसर आ रहा है संस्कृति आपका, देखते हैं बच्चे। लास्ट वन मिनट एवरीवन, हरी अप, गिव योर बेस्ट शॉट। एच कोमा के का लोकस निकालना है हमने बस, और कुछ नहीं करना। C1 C2 equals to R1 plus R2, इसकी बात की थी हमने इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स जब पढ़ा था। When two circles touch each other externally, बाहर से टच करते हैं, वो ही कंसेप्ट यहां पर लगाते हैं और देखते हैं आंसर बनता है कि नहीं बनता है। देखें, चलो मैं आपको टाइम पूरा दूंगा यार, फिर आप कह दोगे सर आप तो टाइम ही कम देते हो। चलिए एवरीवन, टाइम होने वाला है बच्चे। C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आप लगा सकते हैं, बन जाएगी बात। हुआ, करो करो फटाफट, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं भाई जेई मेंस में। मेरे पास कल एक बच्चे से बात हो रही थी, वो मेरे को कहता है सर कि अब मैं कर रहा हूँ ना जेई मेंस के PYQ, तो यार क्वेश्चंस बन रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो मुश्किल है ही नहीं PYQ, जेई मेंस में आसान क्वेश्चंस आते हैं। वो बिल्कुल सही कह रहा था, अगर आप कोशिश करोगे तो आप कर पाओगे, पर अगर आप सिर्फ सोचते ही रहोगे ना, लिखोगे नहीं, तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा हाथ का और दिमाग का, तो आप नहीं कर पाओगे। चाहे आप कितना भी PYQ रट लो, पढ़ लो, नहीं बनेगी। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड राइटिंग डाउन। जितना आप लिख के करेंगे उतनी ही आपकी सफलता गारंटीड होगी। यहाँ पे C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 करते हैं, ये हमारा टाइम समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे C1 C2, ये C1 बोल देता हूँ, ये C2 बोल देता हूँ, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास H-4 का होल स्क्वायर प्लस K-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू C1 C2, इसका रूट इज इक्वल्स टू, अब सी, अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, के होगा, ये डिस्टेंस होगा के, तो यानी कि इसका रेडियस भी क्या है, के, तो यानी कि ये हो गया के, तो यहाँ पे 6 + k के बराबर आएगा, ये रेडियस इज के, तो यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, H-4 का होल स्क्वायर प्लस K-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 + k का होल स्क्वायर। इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा h² + 16 - 8h + k² + 16 - 8k इज इक्वल्स टू 36 + k² + 12k। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, k² से k² कैंसिल्ड आउट, तो इसका मतलब कि सर्कल तो नहीं बनेगा भाई, तो ये हो जाएगा h² अब h को सॉल्व करते हैं तो -8h, h² ले लिया, ये ले लिया, तो
सोलह 32 हो गया, 32 गया इससे तो माइनस 4 आंसर आ जाएगा, ये कंसिडर्ड 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 माइनस 8 के 12 के तो माइनस 20 के, माइनस 20 के हो जाएगा एंड इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा, अब मैं एच को एक्स लिख देता हूँ, के को वाई लिख देता हूँ, क्योंकि लोकस में एच और के को एक्स वाई सब्सटीट्यूट करते हैं तभी इक्वेशन दिखती है हमें हमारी प्यारी सी। तो माइनस 8x माइनस 20y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 20y, और ये क्वाड्रेटिक इन x है, इसका मतलब दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला। तो हमारा आंसर हो गया पैराबोला। क्वाड्रेटिक इन x या क्वाड्रेटिक इन y, x इज इक्वल्स टू y में क्वाड्रेटिक या y इज इक्वल्स टू x के फंक्शन में या x के वेरिएबल में क्वाड्रेटिक, इसका मतलब दैट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। तो इसका आंसर आ गया पैराबोला। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिए भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन सर्कल जिनका रेडियाई हमें दिया हुआ है ए बी सी, ए सबसे छोटा है, बी का रेडियस ए से बड़ा, बी से छोटा, सी से छोटा है, और सी का रेडियस सबसे बड़ा है। टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ दे हैव एक्स एक्सिस एज कॉमन टेंजेंट, एक्स एक्सिस की कॉमन टेंजेंट है। तीन सर्कल जो कि एक दूसरे को बाहर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जिनके रेडियस एक से छोटे एक है, वो एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट पर है, यानी कि एक्स एक्सिस तीनों को एक्सटर्नली टच करती हुई जा रही है। देन ए बी सी में रिलेशन निकालना है हमें, बस इतना सा क्वेश्चन है ये, इसको ट्राई कर लो। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ पूरे 4 मिनट। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता या जिसने ये पहली बार देखा होगा, मोस्टली आपने पहली बार ही देखा होगा, जिन्होंने ये पहली बार देखा है वो इसका डायग्राम थोड़ा सा सोचिए। डायग्राम बन गया तो उसके बाद सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लग के ये क्वेश्चन हो जाए। इस क्वेश्चन में सिर्फ डायग्राम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सोचना है, अलावा उसके सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से और थोड़े बहुत लॉजिक, थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिक भी नहीं, फॉर्म खत्म हो जाएगा हमारा। आपको मैं 4 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, उत्तम प्रश्न में से एक है ये क्वेश्चन। मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा इसका डायग्राम क्या होगा, इसका डायग्राम क्या होगा मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। आप इतने सोचिए इसका क्या डायग्राम हो सकता है आपका। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, तीनों के रेडियस इंक्रीजिंग है, एक से बढ़ के एक है, बाहर से टच कर रहे, एक्स एक्सिस कॉमन टेंजेंट है। एक्स एक्सिस तो बना ही लो, उसके बाद सोचो कि टेंजेंट बनानी है तो कैसे बनेंगे सर्कल्स। एवरीवन कमेंट में बताइए किसी का डायग्राम बना या नहीं, और ऑप्शन बताइएगा क्या आ रहा है आपका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी पड़ती है, इसलिए बस कीजिए फटाफट। अरे आप डायग्राम पे फोकस कीजिए, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, डायग्राम बनते ही हमारी बात बन जाएगी। डायग्राम सोचो सोचो, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। एक सर्कल तो मैंने आपके सामने बना दिया, दूसरा सर्कल क्या होगा, दूसरा सर्कल कैसे आएगा ये बताना है। दूसरा सर्कल इससे मतलब ये रेडियस सी का मान लेते हैं, सबसे बड़ा मान लेते हैं ना इसको, तो इससे छोटा बन जाएगा हमारे पास ऐसा कुछ, ये से छोटा है तो ये बी का बन गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तीसरा सर्कल किधर बनेगा ये बात है, सोचो फटाफट सोचिए।
बना किसी का, टाइम्स अप, टाइम्स अप, किसी का भी नहीं आया। बी के बगल में और उससे छोटा बी से, ओके, स्मॉलर देन बी एंड एट बिसाइड बी, ओके। कार्तिक यार यहां बनना चाहिए, जो हमारा लास्ट सर्कल बनेगा वो यहां बनेगा, हमारा लास्ट सर्कल ये हमारा सबसे छोटा सर्कल होगा, उसका रेडियस होगा ए, उसका रेडियस होगा ए। तो हमारे पास डायग्राम तैयार है, बस पाइथागोरस लगाने की देर है। आर्यन का आंसर आया है बी, ओके आर्यन, ये बी आंसर आपका आया है, देखते हैं सही है या नहीं है। यार ये पॉइंट, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम है ए। तो अब मेरे को ये बताओ, ये रेडियस हमारा स्मॉल ए हो गया, ये रेडियस स्मॉल ए हो गया, ये जो रेडियस है ये हमारे पास दिया हुआ है सी। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन इसकी डाल दूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा सी माइनस ए, दिस इज, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी, इसको डी। तो सी डी जो है वो बन जाएगा सी माइनस ए। दूसरी बात, ये सी और ए पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, सेंटर्स, जो सबसे बड़ा सर्कल है और जो सबसे छोटा सर्कल है उसके सेंटर्स के। हाँ जी कार्तिक, ऐसे ही होता है बेटा, जब जब पता लग जाता है ना तो ऐसे ही, अरे हाँ ऐसे होना था, इसीलिए मैं कहता हूँ कि लिख के किया करो और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। यहाँ बोल रहा है ईच अदर एक्सटर्नली, कार्तिक जो आपने बनाया था बच्चे उसमें एक सर्कल को एक्सटर्नली कर रहा होगा। सी डी हो चुका है, अब सी ए, सी ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी प्लस ए, सी ए जो हो जाएगा वो सी प्लस ए हो जाएगा। और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ पी, इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू, और इसको मैं नाम दे देता हूँ आर, पी क्यू आर पॉइंट नाम हो गया इसका। तो मैं यहां से अगर पी क्यू निकालना चाहूं, पी क्यू, पी क्यू मेरे पास निकल जाएगा कितना, पी क्यू मेरे पास कितना आ जाएगा बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं सी डी ए ट्राइंगल में, सी डी ए ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो पी क्यू बनेगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, पी क्यू का स्क्वायर बनेगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि सॉल्व करने पर आएगा पी क्यू हमारे पास ये बन जाएगा टू रूट ए सी, टू रूट ए सी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा टू रूट ए सी। मेरे पास पी क्यू आ चुका है, मेरे को क्यू आर निकालना है और सेम तरीके से मैं क्यू आर निकाल सकता हूँ। क्यू आर निकालने को देखो भाई एक बारी, क्यू आर निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रेडियस है बी, ये रेडियस है ए, और ये जो है हमारे पास ए पॉइंट, ये हमारे पास आर पॉइंट हमने माना हुआ है। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास बी माइनस ए, तो ये है बी प्लस ए। तो अब मैं क्यू आर अगर लिखना चाहूँ, क्यू आर, क्यू आर मेरे को लिखना है सिंपली, तो पाइथागोरस लगा देता हूँ बी इस ट्राइंगल में, जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है ना ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। इस ट्राइंगल में देखना, ये ट्राइंगल में पाइथागोरस लगेगी बी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा क्यू आर इज इक्वल्स टू टू रूट बी ए। अब मेरे पास पी क्यू आ गया, मेरे पास क्यू आर आ गया है। हाँ जी कार्तिक, वेरी नाइस, क्यू आर आ चुका है। अब सिमिलरली मेरे को पी आर निकालना है, मेरे को निकालना है पी आर, पी आर, अब पी आर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलग से बनाता हूँ। ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनको थोड़ा नीचे बनाते हैं तभी समझ आएगा, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। मैंने पी और बी को ज्वाइन कर दिया, ये बन जाएगा C प्लस बी, सी प्लस बी। अब मैंने यहाँ से जो रेडियस बना रहा था C, उसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास B होगा, ये हो जाएगा C माइनस बी।
तो ये जो बनेगा पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ बनेगी, ये लेंथ जो होगी वो होगी हमारी ये लेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू पी आर। यानी कि पी आर मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, पी आर मैं निकाल सकता हूँ इस ट्राइंगल से पी आर। तो पी आर का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सी प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस बी का होल स्क्वायर, विच विल कम आउट टू बी, विच विल कम आउट टू बी पी आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रूट डी सी। अब यार पी आर जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर के बराबर होगा, पी आर विल बी इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर। तो पी आर हो जाएगा टू रूट बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू है टू रूट ए सी प्लस टू रूट ए बी। मैं तीनों तरफ टू से डिवाइड करता हूँ, टू रूट ए बी सी से डिवाइड कर देता हूँ, टू रूट ए बी सी से मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों तरफ। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, वन बाय रूट ए इज इक्वल्स टू वन बाय रूट बी प्लस वन बाय रूट सी, एंड दिस विल बी माई आंसर, एज सिंपल एज दैट। ये मेरा आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें हमें थोड़ा सा इंट्यूटिवली सोचना था बस। चलिए तो हमारे पास ये आंसर आ गया है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको ट्राई कीजिए। सम ऑफ स्क्वायर्स 2019 का क्वेश्चन है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय द लाइंस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, एन इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। बस इतना सा क्वेश्चन है, आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 3 मिनट इस क्वेश्चन के लिए, 3 मिनट मिल रहे हैं। आई एम हैविंग अ वाटर ब्रेक। बी आंसर आ रहा है कार्तिक आपका, ओके आपका पहले वाले का था, ओके 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 गुड, हरी अप। हाँ जी आवाज आ रही है सबको, एवरीथिंग ओके? प्लीज कमेंट, आवाज आ रही है सबको? कार्तिक, आर्यन, यश, शुभम, एम आई ऑडिबल एवरीवन? Am I audible? आवाज आ रही है सबको? ओके ओके ओके। इस क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बन सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेप्टेड ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यानी कि एक सर्कल बनाते हैं, इसका सेंटर हमारे पास 0.0 है और रेडियस है हमारे पास 4। रेडियस है 4। अब एक कॉर्ड जा रही है ऐसे, ये मेरे को पता नहीं कितना है, ये मेरे पास दिया हुआ है 4। मेरे को ये मान लेता हूँ ए, ये मान लेता हूँ बी, और ये मान लेता हूँ और ये मान लेता हूँ ओ। मेरे को ए बी की लेंथ चाहिए, मेरे को चाहिए ए बी। ए बी निकालने के लिए, ओके कार्तिक, ए बी निकालने के लिए मेरे को ए सी चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकता हूँ मैं। अब कॉर्ड की इक्वेशन मेरे को दी हुई है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन। तो यहां से मैं ओ सी निकाल सकता हूँ। ओ सी कैसे निकाल सकते हैं? ओ सी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द लाइन। तो सेंटर से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं सिंपली पॉइंट सेटिस्फाई करा देता हूँ, माइनस
एन अपॉन रूट टू बन जाएगा, ये ओसी आ गया, यानी कि ओसी आ गया मेरे पास एन बाय रूट टू, ओसी मेरे पास आ गया एन बाय रूट टू। अब ए सी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर बनेगा। तो ए सी यहाँ से निकल जाएगा कितना, ओ ए का स्क्वायर का मतलब हो गया 16 माइनस ओ सी का स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर बाय टू का अंडर रूट, 16 माइनस एन स्क्वायर बाय टू का अंडर रूट, ये ए सी आ गया। अब ए सी जो है वो बी सी के बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालता हूँ तो कॉर्ड बाइसेक्ट होती है, तो यानी कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है, लेंथ ऑफ कॉर्ड मेरे पास आ जाएगी ट्वाइस ए सी, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी ट्वाइस ए सी एंड दैट विल बी टू रूट ओवर 16 माइनस एन स्क्वायर बाय टू, टू रूट ओवर 16। ओ सी कैसे आया, ओ सी जो बेटा है वो ओ पॉइंट है 0000 से एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन का डिस्टेंस निकालना है। स्ट्रेट लाइंस में हमने पढ़ा था, कि एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते, पढ़ा था हमने कैसे निकालते थे, उस पॉइंट को लाइन में सेटिस्फाई करवाते थे डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जो कि मैंने यहाँ पे करा है कार्तिक, 0 0 सेटिस्फाई करवाया तो एक्स प्लस वाई माइनस एन में 0 0 सेटिस्फाई कराया तो माइनस एन बचा, डिवाइडेड बाय एक्स के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशियंट का स्क्वायर दैट इज टू का अंडर रूट। आई होप इट्स क्लियर। ओके प्रणव, ओके कार्तिक, लेंथ ऑफ कॉर्ड मेरे पास आ गई है भैया ट्वाइस रूट ओवर 16 माइनस एन स्क्वायर बाय टू। अब एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ पूछ रहा है यार ये, ओके okay. तो एन की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, पहले यहाँ पे ये बात करते हैं, एन की वैल्यू हो सकती है हमारे पास 1 नेचुरल नंबर है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, अगर 6 हो गई तो 36 बाय 2, 36 बाय 2 इज ग्रेटर देन 16, तो वो नहीं हो सकती, तो यानी कि सिर्फ 5 तक वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है लेंथ का स्क्वायर, इसको मैं एल बोल देता हूँ, एल का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4 16 माइनस एन स्क्वायर बाय टू विच विल बी इक्वल टू 64 माइनस टू एन स्क्वायर, 64 माइनस टू एन स्क्वायर, 64 माइनस टू एन स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरे को करना है समेशन एन इक्वल्स टू 1 से 5 तक 64 माइनस टू एन स्क्वायर का विच विल बी 64 इंटू 5 माइनस टू इंटू समेशन एन इक्वल्स टू 1 से 5 एन स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 4 20 2 6 5 30 320 माइनस 2 इंटू एन स्क्वायर का समेशन सीक्वेंस सीरीज स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पे ये एन स्क्वायर का क्या आएगा हमारे पास, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाय 6, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 11 2 एन प्लस 1 बाय 6, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 से 6 गया 55 इंटू 2 320 माइनस 11 5 से 55, 55 इंटू 2 इज 110 विच विल बी 210, 210 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो सिर्फ एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकाला है हमने, एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस निकाला है, उस डिस्टेंस के बाद निकालने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने उस कॉर्ड की लेंथ निकाली, उसका स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमने देखा कि स्क्वायर रूट डिफाइन कब कब होगा, नेचुरल नंबर किन पे स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, 1 2 3 4 5 6 डालते ही स्क्वायर रूट नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ही वैल्यू रहेगी, तो मैंने सम कर दिया एन इक्वल्स टू 1 से 5 का पूरे का, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था और 210 हमारा आंसर आ गया है। किसी बच्चे को इसमें और कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम आगे प्रस्थान करते हैं। जल्दी, यू हैव ओनली 15 सेकेंड्स टू टाइप।
कोई डाउट है किसी का तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको ट्राई कीजिए। अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस, दो सर्कल दिए हुए हैं, सेंटर रेडियस आपके पास अवेलेबल हो जाएगा निकालेंगे तो। ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, बस एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है आपने, कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन। अब कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं यार, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल में हमने कॉमन टेंजेंट की बात करी थी। क्या बात करी थी कि अगर सर्कल एक दूसरे से फार अपार्ट हैं तो दो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी, डायरेक्ट वाली और इनडायरेक्ट वाली दो अलग बनेंगी। अगर ये क्वेश्चन उसके ऊपर आ गया तो यार हमें चारों की चारों टेंजेंट निकालनी पड़ेगी, और चार टेंजेंट निकालने के लिए भैया समय नहीं, तो आप इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे अगर ये उसके ऊपर क्वेश्चन है तो। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन देखेंगे सर्कल्स का, बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि अगर ये सर्कल एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं तो हमारे पास टेंजेंट बहुत आसानी से आ जाती है, अगर ये एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो टेंजेंट बहुत आसानी से आ जाती है, लेकिन इसके अलावा कोई और केस हुआ तो टेंजेंट निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जब भी थोड़ा सा टाइम लगे आपको और आपके पास और भी क्वेश्चन है जो कम टाइम में हो सकते हैं तो ये क्वेश्चन लास्ट में करना है फिर, बट हमें C1, C2 और R1, R2 में रिलेशन देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तभी जाके हम आगे बात करेंगे। कार्तिक, अगर हम 6 डालते हैं n स्क्वायर में तो 36 बनेगा, 36 अपॉन 2 18 हो जाएगा, और 16 में से 18 जाएगा तो रूट के अंदर -2 आ जाएगा बच्चे, इसीलिए n को 6 नहीं डालना है कार्तिक। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस एंड दिस, इसका सेंटर देखते हैं, इसका सेंटर बनेगा 0.0, इसका रेडियस बनेगा 2, फटाफट करिए, मैं बस सेंटर और रेडियस लिख रहा हूँ बस और कुछ नहीं। इसका सेंटर बनेगा -3 -4 और रेडियस बनेगा इसका 25 + 24 = 7 बनेगा रेडियस, इसका रेडियस इज 7। इसको C1 बोल देते, इसको R1, इसको C2, इसको R2, तो C1 C2 का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 5। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं बहुत इजीली, वेलकम बच्चे कार्तिक। C1 C2 दो के बीच में डिस्टेंस हम लगा सकते हैं, R1 R2 आपको दिया हुआ है, अब आप खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए और देखिए कैसे कर सकते हैं इसको हम। ये क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं था, बाय द वे एक हिंट दे रहा हूँ मैं आपको इनडायरेक्टली, दो सर्कल जस्ट टच कर रहे हैं इस सिनेरियो में, कैसे कर रहे हैं आप खुद सोचिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल में सर्कल्स आर जस्ट टचिंग ईच अदर, कैसे ये आप खुद सोच सकते हैं, और फिर इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालेंगे और कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का है अगर देखा जाए तो, मैं आपको फिर भी 2 मिनट दे रहा हूँ जिसमें से 1 मैं दे चुका हूँ, फटाफट कीजिए ज़रा। हरी अप करिए करिए, बहुत इजीली हो जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स को ध्यान में रखिएगा, हमारे पास सर्कल्स बाहर जस्ट टचिंग, एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के कंप्लीटली अंदर, बट टचिंग और कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनटू अनदर सर्कल, ये 5 केसेस थे, 5 केसेस में से 1 केस लग रहा है यहाँ पे, वो आपको आइडेंटिफाई करना खुद बताइए। यहाँ पे C1 C2 इज इक्वल्स टू R2 - R1 आ रहा है मॉड्यूलस के साथ, जब भी C1 C2 R1 - R2 के मॉड्यूलस के बराबर होता है तो सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करते, जस्ट टच करते हैं, वो भी इंटरनली टच करते हैं, वो भी इंटरनली। तो यानी कि यहां पे मैं बोल सकता हूं सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ सिनेरियो ऐसा होगा जो हमें दिखने में आएगा, कुछ सिनेरियो ऐसा प्रतीत हो रहा होगा हमको, जस्ट टचिंग है ना ये होगा, तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट बनेगी वो हमारी ऐसी बनेगी कुछ,
एस यू बनेगी। तो ये इक्वेशन जो आती है मैंने आपको बताया था एस वन माइनस एस टू इक्वल्स टू जीरो, वेरी गुड कार्तिक, एस वन माइनस एस टू इक्वल्स टू जीरो बनेगी, जहाँ पे एस वन एस टू आर रिस्पेक्टिव इक्वेशंस ऑफ सर्कल। तो रिस्पेक्टिव इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो बस कर देते हैं इसको, काम खत्म करते हैं इसको करके। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस एट वाई माइनस ट्वेंटी फोर इक्वल्स टू जीरो, एस वन माइनस एस टू। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर, माइनस फोर है प्लस ट्वेंटी फोर हो जाएगा, तो ये बनेगा सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एट वाई प्लस ट्वेंटी फोर माइनस फोर इज माइनस ट्वेंटी इक्वल्स टू जीरो, माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर माइनस फोर इज माइनस ट्वेंटी, तो ये बन जाएगा माइनस टू से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन इक्वल्स टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द गिवन सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। अब इस टेंजेंट की इक्वेशन को कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करवा रहा है ये हमें खुद देखना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, फोर कोमा माइनस टू इसको सेटिस्फाई करवा रहा है नहीं करवा रहा है, इसको माइनस फोर कोमा सिक्स सेटिस्फाई करवा रहा है। मैं यहाँ पे ए पॉइंट डालता हूँ, ए पॉइंट डालेंगे तो ये बनेगा माइनस एटीन प्लस वाई में डालेगा तो प्लस सिक्सटीन प्लस टेन, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। बी पॉइंट डालता हूँ माइनस फोर, तो ये बन जाएगा माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर प्लस टेन नॉट इक्वल टू जीरो। लास्ट डी पॉइंट डालता हूँ सिक्स कॉमा माइनस टू, तो ये बन जाएगा ट्वेल्व और ये बन जाएगा थ्री सिक्स और माइनस टू है ना, तो ये बन जाएगा सिक्स और माइनस टू है ना, तो एटीन माइनस एट प्लस टेन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये बन जाएगा हमारे पास। और ये भी हमारा ज़ीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, वो हमें बस आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और ये हमारे पास एस वन माइनस एस टू, तो माइनस फोर माइनस ट्वेंटी फोर है, तो ये प्लस ट्वेंटी हो जाएगा, प्लस ट्वेंटी माइनस प्लस ट्वेंटी है ना माइनस प्लस, तो यह गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे ये होगी इक्वेशन, ये बनेगी, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा माइनस एट माइनस टेन, तो हमारे पास ये बन जाएगा ज़ीरो। तो इसका मतलब सिक्स कोमा माइनस टू, यहाँ पे बस थोड़ी सी यहाँ पे प्लस माइनस की गलती हो गई थी, तो सिक्स कोमा माइनस टू इज माई आंसर, डी पार्ट इज माई आंसर। यह आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही छोटे से टॉपिक पे था, एक इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल एस वन माइनस एस टू इक्वल टू जीरो। आप ध्यान से अगर देखेंगे पी वाई क्यू को, अगर आप एनालाइज करेंगे सर्कल के, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स पे काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए, उसने इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ये दो ऐसे टॉपिक है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे बेटा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, द लाइन x इक्वल टू y टचेज अ सर्कल एट पॉइंट वन कॉमा वन, वन कॉमा वन पे वो सर्कल को टच कर रही है। इफ द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस थ्री, सर्कल वन कॉमा माइनस थ्री से भी पास कर रहा है, तो रेडियस बताना है, मतलब एक लाइन है टचेज अ सर्कल एट वन कॉमा वन, इफ द सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट वन कॉमा माइनस थ्री रेडियस बताओ, करो बताओ मुझे रेडियस, कमेंट करो बताओ, मैं भी देखता हूँ कितना आपको समझ आ रहा है, जल्दी बताइए दो मिनट है आपको मैं हिंट दे सकता हूँ इस क्वेश्चन में, पर एक मिनट बाद दूंगा, आप अपना दिमाग चलाइए फटाफट, एवरीवन करिएगा जल्दी फटाफट, हरी अप, बेटा हम ब्रेक लेंगे एक बजे। अगर आप में से किसी को कुछ लग रहा है कि भाई ब्रेक नहीं दे रहे सर इतना टाइम हो गया, तो हम ब्रेक लेंगे एक बजे। आप लोग स्टडी के बाद 10 मिनट से ज़्यादा का ब्रेक कभी भी नहीं लेंगे लाइव लेक्चर में, ये याद रखना, मैथ्स के लाइव लेक्चर में आपको 10
मिनट से ज़्यादा का ब्रेक नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्वेश्चंस बहुत स्मूथली बहुत ही आराम से अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा आपके दिमाग में। सी आ रहा है आर्यन का, मैं सी आ रहा है आर्यन का आंसर, दिस इज 2√2 आ रहा है आंसर आर्यन जी का। ओके देखते हैं भाई सी आंसर होगा भी या नहीं। मैं आपको इसका एक हिंट देता हूँ, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करेंगे। मैंने आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स में बताया था कि अगर एक लाइन को सर्कल एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है तो उन सब सर्कल्स की इक्वेशन क्या बनेगी। जैसे ये एक लाइन है और ये हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट है पी और ये लाइन है एल। सर्कल बना रहा हूँ मैं पी पॉइंट से टच करता हुआ, एक सर्कल ये बना, एक सर्कल ये बन जाएगा, एक सर्कल ये बन जाएगा ऐसे, मैं ऐसे इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकता हूँ। तो पी पॉइंट से पास करता हुआ सर्कल की इक्वेशन अगर मुझे लिखनी है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगी वो होगी x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स l विच इज x माइनस y इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको बताया था ना पॉइंट सर्कल एज्यूम करेंगे, उस पॉइंट को p पॉइंट को हम पॉइंट सर्कल ही एज्यूम कर लेते हैं। अगर p पॉइंट पॉइंट सर्कल है तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वन का होल स्क्वायर और लैम्डा के साथ l आएगा, l क्या है x माइनस वाई। बस ये हमारे पास बन गया ना s प्लस लैम्डा l, फैमिली ऑफ लाइंस पे घूम गई फिर से हमारी बात। बस अब हमें क्वेश्चन बोल रहा है द सर्कल ऑल्सो पासिस थ्रू 1, -3, तो इस पॉइंट को हम सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के लैम्डा निकालेंगे, लैम्डा निकाल के यहाँ डालेंगे, उसके बाद रेडियस निकाल लेंगे, खत्म हो जाएगी बात हमारी। तो करते हैं भाई 1, -3, तो यहाँ पे 1 -1 प्लस -3 डालेंगे, -3 -1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 -3 जीरो, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 16 प्लस लैम्डा इंटू 4 इक्वल्स टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4। लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे दोबारा डाल देते तो हमारे पास क्या बनेगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, -4 डालेंगे तो -4x प्लस 4y इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y -4x प्लस 4y इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x -4x -4x -6x बन जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ले चुका हूँ -2x -4x ले चुका हूँ -2y, ये बन जाएगा +2y और ये बन जाएगा 1 + 1 2 +2 इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब यहाँ से मेरे को रेडियस निकालना है तो रेडियस हो जाएगा g हमारे पास आ जाएगा -3, f हमारे पास आ जाएगा 1 और c हमारे पास है 2, 9 + 1 - 2 अंडर रूट विच इज √8 विच इज 2√2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। आर्यन यू आर राइट, तो 2√2 इज माय आंसर। आगे प्रोसीड करते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं थी इसमें, ये हमने कंसेप्ट किया हुआ बहुत इजीली हो गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3, 0 मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इजी है, इसको हम बहुत आराम से करेंगे, आपके पास है 2 मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट में ये क्वेश्चन 3 बार कर सकते हो आप अगर आपको कंसेप्ट इसका पता लग गया, वो कि बहुत आसान कंसेप्ट है इसका। ये क्वेश्चन हमने क्लास में भी प्रैक्टिस किए हैं, इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो, अगर आप लेक्चर देख के आए हैं, आप रिवाइज करके आए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके विद इन अ मिनट बनना चाहिए। बच्चे करिए ट्राई इस क्वेश्चन को फटाफट।
सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस को 3.0 पे कट कर रहा है और 8 यूनिट्स लेंथ का हमारा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है। तो आपको बताना है सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है ये हमें बताना है बस। यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी तो हम किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, हम निकाल सकते हैं जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे पास। बताइए एवरीवन, हरी अप, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई कीजिए जल्दी। सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को 3.0 पर एंड इंटरसेप्ट बना रहा है 8 लेंथ का, बताइए क्या आएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मैं आपसे इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ रहा हूं भाई, बस एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना चेंज करते हैं, मेंस के क्वेश्चन को चेंज करते हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन बतानी है भाई आपने इस सिनेरियो में। डी आंसर आ रहा है आपका 3.10 आर्यन, ओके आर्यन आप इक्वेशन ऑफ सर्कल भी निकालने की कोशिश कीजिए और निकल चुकी है तो मेरे को बताइए लिख के कमेंट में, फटाफट बताइएगा जल्दी बेटा, आई एम वेटिंग। ये सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा हमारे पास, ये 8 यूनिट्स की लेंथ है, 8 यूनिट्स है, अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये बन जाएगा 4 और ये भी बन जाएगा 4 एंड दिस इज माय रेडियस आर। हमें ये बताना ये एक्स एक्सिस को 3.0 पे टच कर रहा है, 3.0 पे ये टच कर रहा है हमारे एक्स एक्सिस, बताइए किसी का बना, एनीवन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10y प्लस 9 आर्यन, ओके चलो चेक करते हैं बच्चे। अब मेरे को इसका रेडियस और सेंटर की इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास आ जाएगी। अब बच्चे ये 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स ही होगा, ये भी 3 यूनिट्स ही होगा, तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम से मैं कह सकता हूँ आर स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आर आ जाएगा मेरे पास 5 यूनिट्स, आर मेरे पास आ गया 5 यूनिट्स। अब ये आर 5 आ गया है तो ये भी 5 ही होगा, ये भी रेडियस ही है, तो ये हो जाएगा सेंटर मेरा 3.5, सेंटर मेरा हो जाएगा 3.5, 3.5 सेंटर है, रेडियस मेरे पास आ चुका है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक इक्वेशन ये आएगी। अब बेटा आर्यन आपने एक गलती करी, आपको ये बोला है क्या क्वेश्चन में कि हमें सर्कल जो है ऊपर ही लेना है, ये तो बोला ही नहीं। हमारे पास एक सिनेरियो और बन सकता है, वो सिनेरियो क्या बन सकता है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, एक सिनेरियो हमारे पास ऐसा भी तो अवेलेबल होगा जहां पर ये 8 यूनिट्स होगा और ये 3.0 होगा, ये सिनेरियो भी तो पॉसिबल है। तो यहां पर एक इक्वेशन ऑफ सर्कल और बन सकती है और वो होगी हमारे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ये चीज आप लोगों ने मिस करी जो कि नॉर्मली बच्चे मिस करते हैं, 3.-5 इसका सेंटर हो जाएगा और रेडियस इज 5। तो अब हमें देखना है कौन सा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी पॉइंट देखते हैं, आंसर आया था आर्यन का डी, ओके ओके ठीक है आर्यन, ओके बच्चे मेरे को वो दिखा नहीं था, ओके तो 3.10 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारा आंसर मैच हो रहा है 3-3 का होल स्क्वायर प्लस 10-5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25,
तो ये 25 इक्वल्स टू 25 आ रहा है, तो डी इज माय आंसर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्कल की इक्वेशन निकालते हुए कि भाई हमें क्वेश्चन में दिया क्या है और उसके कितने सिनेरियोज हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि भाई एक सिनेरियो आ गया और खुश हो गए हमने कहा अरे क्वेश्चन आ गया हमें आ गया क्वेश्चन कर देते हैं, एक सिनेरियो आ गया इससे आंसर निकल जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैनिपुलेट भी कर सकता था वो, दूसरे की बात भी कर सकता था। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपके पास, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल टच इट एट ए एंड बी देन ए बी का स्क्वायर। मतलब अब आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ निकालनी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ निकालनी है। बताइए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, प्लीज हरियप बताइए। पॉइंट हमें दिया हुआ, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन दिया हुआ है हमें, और इसका सेंटर और रेडियस हम निकाल सकते हैं। सेंटर आ जाएगा हमारे पास 4.2 और रेडियस हमारे पास आ जाएगा 16+4 20 - 16 = 4, तो 2 आ जाएगा हमारे पास इसका रेडियस। तो ओरिजिन हमारे पास दिया हुआ है 0.0 और एक सर्कल है, चलो तो ये हमारे पास एक पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिए, ये टेंजेंट्स का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास आ गई है, ये सेंटर है 4.2 और रेडियस है हमारे पास 2 units। अब आप आराम से इसको कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है यार, इसमें और कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। प्लीज़ आप जल्दी से मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ आपको बतानी है। इसमें मैं थोड़ा सा डायग्राम और बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए, इसको हम ओ नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको ओ, इसको ए, इसको बी और इसको पी नाम दे देते हैं। ए बी की इक्वेशन अगर मुझे चाहिए, ए बी की इक्वेशन टी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगी। तो अब हम सिंपली क्या कर सकते हैं, टी इक्वल्स टू जीरो में हम डालेंगे 0.0, तो 0.0 हम यहाँ पे डालते हैं तो ये बनेगा हमारे पास एक्स इंटू जीरो प्लस वाई इंटू जीरो माइनस 4x + 0 माइनस 2y + 0 प्लस 16 = 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, माइनस 4x माइनस 4x माइनस 2y प्लस 16 = 0 विच विल बी 2x प्लस y माइनस 8 = 0। ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ चुकी है। तो हम इजीली अब सी पॉइंट से ए बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं यहाँ पर, ये 90 डिग्री पे होगा सी पॉइंट, सी पी हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी के। तो बस अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर निकालना है। ओके, तो ए सी 2 दिया हुआ है, पी सी निकालते हैं, पी सी निकालने के लिए 4.2 का ए बी से डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 8+2 - 8 डिवाइडेड बाय √5 का मैग्नीट्यूड, ये पी सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√5, 2/√5 हो गया हमारा पी सी, पी सी हमारा 2/√5 हो गया। तो हम ए पी पाइथागोरस लगाते हैं ए पी सी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो ए पी का स्क्वायर हमें निकालना ही है भाई, ए सी का स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 और पी सी का स्क्वायर हो जाएगा 4/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 - 4 = 16/5।
तो यहाँ से एपी हम निकाल सकते हैं 4/√5, एपी मेरे पास आ गया 4/√5। तो अब हमको ये पता होना चाहिए, जो कि इतनी बार क्वेश्चन में निकाल दिया यार हमने, कि एपी और पीबी बराबर होंगे, और हमारे पास एबी जो होगा वो होगा एपी प्लस पीबी, और एपी प्लस पीबी विच विल बी इक्वल टू 2AP, और वो हो जाएगा 8/√5, और हमें एबी का स्क्वायर चाहिए, तो 8/√5 का स्क्वायर विच इज 64/5 units। तो हमारा आंसर है ए पार्ट, हमारा आंसर है ए पार्ट। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में बेटा, सिर्फ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, टी इक्वल टू जीरो से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट यानी कि सेंटर फ्रॉम द लाइन, यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकाली, टी इक्वल टू जीरो से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाल चुके थे हम पहले, डिस्टेंस निकाला, पाइथागोरस थ्योरम लगाई और सिंपली ट्वाइस करके स्क्वायर कर दिया। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कीजिएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा निकालनी है। लेट पी क्यू बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। पी क्यू हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, अल्फा बीटा आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 रिस्पेक्टिवली। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। मैं इसका आपको हिंट देता हूँ, इसका हिंट है आपके पास पैरामेट्रिक पॉइंट्स, पैरामेट्रिक पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पैरामेट्रिक पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। फटाफट ट्राई कीजिए, इसके लिए आपको मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का, 3 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, फटाफट ट्राई कीजिए। चलिए, पैरामेट्रिक पॉइंट्स का यूज़ आप इसमें कर सकते हैं बहुत इजीली। पी क्यू बी अ डायमीटर ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सर्कल का डायमीटर है पी क्यू, पी क्यू एंड अल्फा बीटा आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी क्यू ऑन द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं डायग्राम, ये हमारे पास 3,0 दिया हुआ है क्योंकि रेडियस इसका 3 है, सेंटर 0,0 है सर्कल का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसी कोई लाइन जाएगी हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये लाइन जा रही है हमारे पास। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, 7 आंसर आ रहा है आर्यन आपका, ओके गुड, देखते हैं आंसर 7 है या नहीं है। तो अब P और Q हमारे डायमीटर के पॉइंट्स हैं, मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। अगर मैं P पॉइंट को, पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं, R cos थीटा R sin थीटा, यहाँ पे बन जाएगा 3 cos थीटा 3 sin थीटा, और Q पॉइंट क्या बनेगा, -3 cos थीटा -3 sin थीटा, क्योंकि अगर P पॉइंट आपका थीटा पैरामीटर का है तो Q पॉइंट जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है वो पाई से बढ़ जाएगा, तो थीटा होगा पाई प्लस थीटा, सॉरी Q होगा पाई प्लस थीटा, क्योंकि वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट है, तो स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, पाई होता है, तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, कॉस पाई प्लस थीटा साइन पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मैंने यहाँ लिख दिया। तो पी से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एल्फा बीटा हमें निकालनी है, तो एल्फा जो होगा हमारे पास, एल्फा वो हमारे पास क्या आ जाएगा,
अल्फा हमारे पास आ जाएगा 3 cos थीटा x plus y equal to 2, सेटिस्फाई कराओ 3 cos थीटा plus 3 sin थीटा, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन में निकाल रहा हूँ, 3 cos थीटा plus 3 sin थीटा minus 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 2, ये बनेगा। और बीटा इसी प्रकार बीटा क्या बनेगा, माइनस 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 2 का मैग्नीट्यूड। तो अल्फा बीटा मेरे पास क्या बन जाएगा, 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 अपॉन रूट 2 इनटू माइनस को अगर मैं मॉडुलस से बाहर निकाल लूँ तो ये बनेगा 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 2 होल डिवाइड बाय रूट 2। तो अल्फा बीटा मेरे पास एट लास्ट बना, ये a माइनस b है तो ये a प्लस b है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा 3 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 9, a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मैं इस पे लगाता हूँ तो बनेगा 9 प्लस 3 थी जा 9 टू जा 18, 18 cos थीटा sin थीटा माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 का मैग्नीट्यूड। इसको मैं लिखता हूँ अल्फा बीटा इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा, 9 माइनस 4 5 प्लस 9 साइन 2 थीटा लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2, आप लोगों को ये याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो यहाँ पे बनेगा 5 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी 7 यूनिट्स, विच विल बी 7 यूनिट्स। तो हमारा आंसर आया है 7। पैरामेट्रिक पॉइंट्स यूज करके मैंने ये क्वेश्चन किया है, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट अगर एक थीटा है तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पाई प्लस थीटा से रिप्रेजेंट होगा, कॉस के अंदर पाई प्लस थीटा जाएगा और एक के अंदर थीटा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है आपके सामने, लेट सी वन सी टू बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, दो सर्कल्स के सेंटर हमें निकाल लेंगे हम। इफ P and Q are the points of intersection of these circles, यानी कि ये सर्कल्स दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी सी वन क्यू सी टू। ओके, ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है, ये C1 है ये C2 है, ये P है ये Q है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, 1 2 3 4 इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया मैंने, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा रे, ये पूछ रहा है, ये बस इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया ये पूछ रहा है बस। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको बताना है, आप बता सकते हैं बहुत इजीली, इसका हिंट मैं आपको दूंगा बट अभी नहीं, आप ट्राई कीजिए, आपको 2 मिनट बाद हिंट मिलेगा। सी वन क्यू सी टू पी का एरिया आपको निकालना है, पी सी वन क्यू सी टू, सेंटर में आपके लिए लिख देता हूँ, सेंटर सी वन आ जाएगा आपके पास 1,1, सेंटर आ जाएगा 1,1 और यहाँ पे सेंटर आ जाएगा 3,3 और यहाँ पे रेडियस अगर बात की जाए आर वन की रेडियस की अगर बात की जाए तो रेडियस आएगा 1
प्लस वन प्लस टू, यानी कि टू। तो यहाँ पे बात की जाए तो नाइन प्लस नाइन माइनस फोर्टीन, थर्टीन माइनस फोर्टीन टू, तो यहाँ पे भी आएगा टू, टू ही आएगा हमारे पास रेडियस। ओके, तो अब हमें ये क्वेश्चन करना है, आराम से ट्राई कीजिए। ओके अश्विन, चलिए ये रेडियस और सेंटर मेरे पास आ चुका है, आपके पास अभी भी डेढ़ मिनट के करीब बच रहा है, फटाफट ट्राई कर लो, अपना 100% दो, फिर मैं आपको इसका एक हिंट देता हूँ, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बिफोर ब्रेक, इसके बाद आपको ब्रेक दूंगा मैं एक, फटाफट कीजिए, बहुत इजीली आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन, करिए ट्राई। फटाफट करिए ट्राई, फटाफट। हैज एनीवन गॉट द आंसर येट? किसी के आए आंसर अब तक? नहीं, तो चलिए करते हैं बात, हरी अप। ए आंसर आ रहा है, आर्यन का आंसर आ रहा है ए, आर्यन का आंसर आ रहा है ए। ओके ठीक है यार, इसमें ना मेरा ये क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, अगर एक, अगर मैं इसमें एक ट्रिक लगा के देख लूँ, और वो ट्रिक का नाम है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ सर्कल्स, अगर ये सर्कल्स ऑर्थोगोनल हुए तो मैं सीधा ट्रायंगल का एरिया ट्वाइस कर दूंगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी होती है, दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ये लगा के देखता हूँ, 2 1 × 3 प्लस 2 1 × 3 इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2 विच इज 14 माइनस 2, तो ये बनेगा 12 इक्वल्स टू 12। इसका मतलब टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, टू सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल, अगर सर्कल्स ऑर्थोगोनल हैं तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है बच्चे, ये 90 डिग्री है, तो बेटा जी 90 डिग्री आ गए, तो ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल PC1C2 हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, और वो हो जाएगा 2 × 2 विच विल बी 2। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल QC1C2 वो हो जाएगा हाफ 2 × 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास टोटल एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स, हमारे पास आंसर आ गया है 4 हमारे पास आंसर आ चुका है। अब मैं आप लोगों को ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं तब तक, जाके फ्रेशन अप होइए, मूड होइए, आराम से रिलैक्स कीजिए, मम्मी पापा भाई बहन से बातें कीजिए और फिर आइए आराम से। प्लीज गो एंड यू कैन ऑल्सो रिवाइज बिफोर कमिंग, आराम से जाइए और 10 मिनट में मिलते हैं हम आपसे, टेक केयर।
हेलो एवरीवन, आई एम बैक बेटा। नाइन्थ वाले अभी से जेई की तैयारी कर सकते हैं क्या? सोम सोनी बेटा, अभी लाइफ को थोड़ा इजी रखो। नाइन्थ के कंसेप्ट्स जेई में जैसे सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, यूज हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस पर आप ध्यान लगाओ। तैयारी जेई की आपको करनी है तो मैथ्स साइंस स्ट्रॉन्ग रखिए 9th 10th। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फुल फ्लेजिडली 10th के एंड से लग जाना, 11th की स्टार्टिंग में ही या स्टार्टिंग 11th की स्टार्ट होने से पहले ही 10th के पेपर ख़त्म होते ही जेई पे फोकस्ड हो जाना, आपको जेई अचीव हो जाएगा। चलिए भाई शुरू करते हैं, 10 मिनट की समाप्ति हो चुकी है। ये क्वेश्चन आप में से किसी से बना है अब तक? ये क्वेश्चन हो गया है आप लोगों में से किसी का? कमेंट्स में बताइएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, लेट अ पॉइंट पी बी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 5, 0। एक पॉइंट है पी, उसको मैं एच कॉमा के बोल देता हूँ। इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5, 0। 5, 0 से उसका डिस्टेंस, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट -5, 0 का 3 गुना है। थ्राइस द डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट दिस इज थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। यानी कि एक सेकेंड, ये बन जाएगा हमारे पास ये -5, 0। तो ये बोल रहा है ए पी, ये बोल रहा है पी ए इज इक्वल टू थ्राइस पी बी। पी ए कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा एच माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू 3 times PB। 3 times PB कितना हो जाएगा? 3 times √PB का मतलब हो गया एच प्लस फाइव का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पे बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद r आ जाएगा, r का स्क्वायर इंटू 4 करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लेंगे हम। बस इसको स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9h स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10h प्लस k स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8h स्क्वायर, k स्क्वायर इधर गया तो प्लस 8k स्क्वायर, फिर 10h है तो 90h प्लस 10h प्लस 100h और 25 इधर जाएगा तो प्लस 8 × 25 हो जाएगा हमारे पास 200 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 100/8x प्लस 8 से डिवाइड कर दिया अगर हमने तो ये बन जाएगा 25 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। ओके, अब इसको 100/8 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। 100/8 हमारे पास हो जाएगा 25/2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी है तो भैया रेडियस तो यार अब बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कल हमें निकालना है। रेडियस ऑफ सर्कल पे बात करते हैं तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर जी की वैल्यू है 25/4 जी स्क्वायर, एफ यहाँ पर है नहीं, -25 कर देंगे तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर बाय 16 -25, इसको इंटू 4 कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 25 × 25/4 -25 × 4। 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ इक्वेशंस के तो 4r² मेरे पास आ गया 625
माइनस 25 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा, 25 इंटू 4 हमारे पास आ जाएगा 100 फोर का 400 और बाय 4 विच विल बी 225 बाय 4. 225 बाय 4 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 56.2 समथिंग, 56.2 समथिंग. तो 4r स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 56. ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में आया हुआ है और मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए. सीधा लोकस का क्वेश्चन और इतना हलवा क्वेश्चन है ये जेई मेन्स का. यार क्वेश्चन देखने में ना वो ऐसा बना देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या हवा आ गया है हमारे पास भाई, इतना तगड़ा क्वेश्चन. पर देखने में कुछ भी नहीं है ये, इसीलिए करके देखना चाहिए आपको क्वेश्चन को हर बार. ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. आगे प्रस्थान करते हुए चलते हैं. लेट द नॉर्मल्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ गिवन कर्व पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट a,0. अब यहाँ पे इसने इनडायरेक्टली हमें पोक किया है और कहा है बेटा एक कर्व है जिस पे की सारी नॉर्मल जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगी. और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, अगर सर्कल है तो सेंटर. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सेंटर हमें a,b दिया हुआ है. दूसरा, इफ द कर्व पासिस थ्रू 3,-3 एंड 4,-2√2 देन एंड गिवन दैट a-2√b इक्वल्स टू 3. अब a,b हमारे पास सेंटर है, a,b हमारी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच द सेंटर इज लाइंग मैं निकाल सकता हूं. देन a² + b² + ab मेरे को निकालना है. तो a और b की वैल्यू आ जाएगी तो मैं आराम से a² + b² + ab निकाल दूंगा. आगे बढ़ते हैं. इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए आप, आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट ट्राई कीजिए. हाँ जी, स्कल विजन आपको पिछला क्वेश्चन थोड़ा समझना है, आपको. तो बेटा हमें P पॉइंट का लोकस निकालना है. P पॉइंट को H,K मैंने यहाँ पे लेट कर लिया है, H,K मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है. तो H,K से A पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, P पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से. PA इक्वल्स टू 3PB दिया हुआ है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन ऑफ सर्कल हाजिर हो जाएगी. और उसके बाद रेडियस तो आप निकाल ही सकते हैं इजीली, बस रेडियस निकल जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, उसको इंटू 4 कर लीजिएगा. जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल में आंसर आएगा या फ्रैक्शन में आंसर आएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको निकालना है. ये क्वेश्चन फटाफट ट्राई कीजिए. ऑल द नॉर्मल्स पासिंग लेट द नॉर्मल्स एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द गिवन कर्व पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट पासिंग थ्रू ए एंड बी. तो इसका मतलब सेंटर अपने को दिया हुआ है ए एंड बी, सेंटर अपने को दिया हुआ है ए एंड बी. तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, सेंटर लाइज ऑन x-2√2y = 3. भाई a,b जो है मेरा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ए की जगह x और b की जगह y लिख दूंगा, तो ये इक्वेशन के ऊपर x-2√2y के y = 3 के ऊपर मेरा a और b लाई करेगा. तो सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन मैं कह सकता हूँ. दूसरी बात, सर्कल जो है मेरा 3,3, सर्कल जो है वो 3,-3 एंड 4,-2√2 से पास कर रहा है. तो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो मैं दूंगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो भी सेंटर से पास करेगा. तो सेंटर से पास करते हुए 2 इक्वेशन आ जाएगी, दोनों को सॉल्व करूंगा, ए और बी आ जाएगा. तो इसकी पास करते हुए इक्वेशन क्या आएगी मिड पॉइंट से, तो ये हो जाएगा
सेवन बाई टू कॉमा माइनस रूट थ्री माइनस टू रूट टू बाई टू, और स्लोप हमारे पास आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री माइनस दिस थ्री हो जाएगा, और फिर फोर माइनस थ्री इज़ वन, तो नेगेटिव हो जाएगा इसका। तो ये लाइन की इक्वेशन मेरे पास बनेगी y का स्लोप है, तो y माइनस का प्लस थ्री प्लस टू रूट टू बाई टू इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस सेवन बाई टू। स्लोप हमारे पास आएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो वन अपॉन टू रूट थ्री माइनस थ्री। अब इस इक्वेशन को और एक्स इज इक्वल्स टू इस इक्वेशन को, इसको वन मान लेते हैं इसको टू मान लेते हैं, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है बेसिकली, बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी आयुषी कुमारी, मैं आपको क्लासेस का सीक्वेंस बता दूंगा, पर एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास ख़त्म होने के बाद हम ये सब चर्चा करते हैं एक बार, पहले थोड़ा इस पर फोकस कर लेते हैं, मैं आपकी सारी दिक्कतें दूर करूँगा मैथ से रिलेटेड, जो भी है सारे सीक्वेंस वगैरह मैं आपको सब बता दूंगा, कैसे हाई स्कोर लाना है मेंस में इतने कम समय में, मैं ये भी आपको अभी बताऊँगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो x माइनस टू रूट टू, एक काम करता हूँ ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा आसान काम बन जाएगा क्या हमारा, देखते हैं पर, क्योंकि ये एक दूसरे के वो हो रहे हैं ना, कॉन्जुगेट टाइप बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, अगर मैं स्लोप को कर दूंगा तो टू रूट थ्री माइनस थ्री टाइम्स वाई प्लस, ये बन जाएगा टू रूट टू है ना, तो टू रूट थ्री कैसे हो गया, यहाँ पे टू ही है, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मिस्टेक पता लग गई एक, टू रूट टू ही आएगा यहाँ पे, टू रूट टू माइनस थ्री, तो ये इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एट माइनस नाइन इज माइनस वन, माइनस वन बाय टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवन बाई टू, ये माइनस वन बाई टू इधर आएगा, तो एक्स माइनस सेवन बाई टू प्लस वन बाई टू इज माइनस सिक्स बाई टू माइनस थ्री, तो ये बन जाएगा वाई इंटू टू रूट थ्री माइनस थ्री इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ से सीधा इन दोनों को सॉल्व करके, इन दोनों को सॉल्व करके मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ वाई की वैल्यू जीरो आएगी और एक्स की वैल्यू एक्स माइनस थ्री बराबर हो जाएंगे ना दोनों से, तो y की वैल्यू ज़ीरो आएगी, y की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो x की वैल्यू थ्री आएगी, तो यानी कि a मेरे पास हो गया है थ्री और b मेरे पास हो गया है ज़ीरो, क्योंकि सेंटर जो था वो a कोमा b था, और दो इक्वेशन जो सेंटर से पास कर रही हैं उन दोनों इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को सॉल्व करके मेरे पास x आया है थ्री और y आया है ज़ीरो, तो ए थ्री बी ज़ीरो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास नाइन प्लस ज़ीरो प्लस थ्री इंटू ज़ीरो दैट विल बी नाइन, तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइन, हमारा आंसर आ जाएगा नाइन। नेहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, थोड़ा फ्रेश होने का टाइम दिया था, फ्रेश होके आना चाहिए था। आगे इस क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन से आगे नाइन्थ, नाइन हमारा आंसर आ चुका है। जेई मेन 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी वन एंड पी टू वाइल कंसिडरिंग पी वन ऑन वन सर्कल एंड पी टू ऑन अदर सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल्स इक्वेशन, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, पी वन इसके ऊपर लाई कर रहा है, पी टू इसके ऊपर लाई कर रहा है, पी वन सर्कल वन के ऊपर लाई कर रहा है, पी टू सर्कल टू के ऊपर लाई कर रहा है, हमें उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। अब मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो मेरे को इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स याद आता है, यहाँ से इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको मैं दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए पूरे के पूरे दो मिनट, प्लीज ट्राई कीजिए आराम से। ट्राई करो फटाफट, मिनिमम डिस्टेंस फटाफट ट्राई कीजिए, मिनिमम डिस्टेंस
इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, टच नहीं कर रहे अगर तो मिनिमम डिस्टेंस आएगा दो सर्कल्स के बीच में, अगर एक दूसरे के अंदर ही है सर्कल तो भी मिनिमम डिस्टेंस बनता है, लेकिन अगर सर्कल एक दूसरे के अंदर है बट इंटरनली टच कर रहे हैं तो भी मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो हमें इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स के थ्रू ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या सोचना है या प्रोसीड करना है। आप जल्दी से प्रोसीड कीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट कीजिए फटाफट, टाइम बहुत कम रह गया जेई मेंस में, तो बिल्कुल भी टाइम पास मत कीजिएगा। सर्कल वन की इक्वेशन लिखता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस टेन वाई प्लस 41 इक्वल्स टू जीरो। इसका सेंटर आ जाएगा हमारे पास 5.5 और इसका रेडियस आ जाएगा 25 प्लस 25 माइनस 41 रूट दैट इज 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y माइनस सॉरी प्लस 160 इक्वल्स टू जीरो। इसका सेंटर आ जाएगा हमारे पास 12.5 तो इसका रेडियस आ जाएगा मेरे पास 144 प्लस 25 माइनस 160 दैट इज ऑल्सो 3। तो R1 R2 की वैल्यू 3 आ चुकी है और C1 C2 मेरे को दिया हुआ है, तो बेसिकली यहां से मैं ये पता लगा सकता हूँ C1 C2 और R1 R2 में रिलेशन क्या है, C1 C2 और R1 R2 में रिलेशन क्या है ये पता लगा सकते हैं हम कि भाई बड़ा है बराबर है या छोटा है। तो C1 C2 का डिस्टेंस जो है वो आ रहा है हमारे पास 5.12, 5.7 और R1 प्लस R2 आ रहा है 6, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन 6। C1 C2 6 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है, इसका मतलब सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग नाइदर टचिंग, एक दूसरे के बाहर लाई कर रहे हैं, यानी कि सिनेरियो कुछ ये है भाई, ये सिनेरियो बन रहा है, मेरे को मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस दिस इज डी मिनिमम। तो ये डी मिनिमम कैसे निकलेगा भाई हमारा सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस C1 C2 फटाफट बताइए, C1 C2 हमारे पास 7 है तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा भाई, लॉजिक क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि भाई C1 C2 के डिस्टेंस में से R1 और R2 का डिस्टेंस माइनस कर देते, तो डिस्टेंस जो कि हमारा मिनिमम होगा वो होगा C1 C2 माइनस R1 प्लस R2। तो C1 C2 हो जाएगा हमारे पास 7 और R1 प्लस R2 हो जाएगा 3 प्लस 3 विच इज 1 विच इज 1। तो डी मिनिमम हमारे पास आया 1। ये क्वेश्चन जेई मेन 2021 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स के बारे में सोचना था, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 और R2 और दोनों को माइनस करना है, डी मिनिमम आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है, तो आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हैं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखनी है आपको। आगे प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे, है तो प्लीज कमेंट करके बताइए जल्दी, उसको मैं टेकअप करूंगा फिर और आगे बढ़ेंगे वरना। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, लेट द टेंजेंट टू द सर्कल दिस एट 3.4 मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट पी एंड क्यू। मतलब एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, 3.4 इक्वेशन ऑफ सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर लाई करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर से ऊपर पे जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट बनाई, वो हमारा पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है एक्स वाई एक्सिस। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा सर्कल हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ओपी क्यू, इसका सेंटर जो है वो इन सेंटर पे है ओपी क्यू के। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, बस एज सिंपल एज दैट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है बट बिल्कुल भी कतई भी मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन करिए इस क्वेश्चन को ट्राई, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 3 मिनट, 3 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, फटाफट ट्राई कीजिए।
हरी अप, बना किसी का, बन रहा है, जल्दी करिए फटाफट। क्वेश्चन का डायग्राम मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये पी है, ये क्यू है, ये ओ है, ये 3.4 अपने को दिया हुआ है। इसकी टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी टी इक्वल्स टू जीरो। टी इक्वल्स टू जीरो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी इक्वेशन होती है और टी इक्वल्स टू जीरो टेंजेंट की भी इक्वेशन होती है। फर्क सिर्फ क्या है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, फर्क सिर्फ इतना है, सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है तो पी इक्वल्स टू जीरो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होगी, सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो पी इक्वल्स टू जीरो टेंजेंट एट दैट गिवन पॉइंट होगी। तो टी इक्वल्स टू जीरो, टी इक्वल्स टू जीरो हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्स वन यानी कि 3x प्लस वाई वाई वन यानी कि 4y इक्वल्स टू 25। ये मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, जहाँ पे ओ पी क्यू, ओ पी क्यू ये ओ है, ये क्यू है, ये पी है। तो पी पॉइंट अगर मेरे को निकालना है तो मैं वाई को जीरो डालूंगा, वाई को जीरो डाला तो ये आ गया हमारे पास 25/3, 25/3 कॉमा जीरो ये पॉइंट हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 25/3। ये 0.0 होगा हमारे पास, क्यू पॉइंट हमारे पास आ जाएगा वाई को जीरो अगर मैं डालूंगा, सॉरी सॉरी एक्स को जीरो डालेंगे क्योंकि वाई इंटरसेप्ट निकालना है ना हमें, एक्स को जीरो डालेंगे तो ये आ जाएगा 0.25/4, 0.25/4। अब 0.25/4 आ गया तो ये 25/4 इसकी लेंथ हो गई, ओ क्यू की लेंथ हो गई 25/4। तो 25/4 यहाँ पे लेंथ आ गई, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है, मैं पी क्यू की लेंथ निकाल सकता हूँ, पी क्यू की लेंथ आएगी हमारे पास, पी क्यू यहाँ पे निकालता हूँ, वो आएगी रूट ओवर 25/4 का होल स्क्वायर प्लस 25/3 का होल स्क्वायर विच विल बी 25 बाहर आया 1/4 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर रूट के अंदर। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 25 3 9 16 25 5/4 × 3 मेरे पास ये बनेगा 1/4 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर इज 5/12 रूट के अंदर अगर होगा तो। तो ये हमारे पास पी क्यू आ गया विच इज 125/12। अब इन सेंटर मेरे को निकालना है, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को सामने वाली साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, सिमिलरली सबके साथ हमें ये करना है डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी साइड्स की लेंथ का एडिशन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 0 × 125/12 प्लस 25/3 × 25/4 प्लस 0 × 25/3 होल डिवाइडेड बाय 125/12 प्लस 25/4 प्लस 25/3 कॉमा, यही हम वाई के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 125/12 प्लस 25/4 प्लस 25/3। और अब ऊपर न्यूमरेटर देखते हैं तो इस जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इस 25/4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एट लास्ट आंसर आएगा 25/4 × 25/3। यहाँ पर भी यही आंसर आएगा 25/4 × this और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, इन सेंटर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 25 × 25/12 होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, यहाँ 4 से, यहाँ 5 था, 5 4 9 12 12 × 25/12 12 से 12 गया
25 से 25 ये 25 बाई 12 आया और यहाँ पे बन जाएगा 25 इंटू 25 बाई 12 अपॉन ये तो सेम ही है 12 इंटू 25 बाई 12 12 से 12 25 से 25 25 बाई 12 कॉमा 25 बाई 12 25 बाई 12 कॉमा 25 बाई 12 इज माई इन सेंटर। अब मेरे को रेडियस निकालना था हैविंग सेंटर एट इन सेंटर यानी कि सेंटर मेरे पास आ गया पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो रेडियस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 25 बाई 12 का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच विल बी 25 बाई 12 बाहर रूट टू आर स्क्वायर निकालना है ना तो ये सिंपली इसको हटा देते हैं तो आर स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू 25 का स्क्वायर बाय 12 का स्क्वायर विच विल बी 625 अपॉन 144 बाय 2 इज 72 तो दिस इज माय करेक्ट आंसर। बेटा जेई मेन से डर क्यों लग रहा है आपको? बेटा देखो मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ा सा। जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था ना तो बोर्ड्स आने वाले थे दिसंबर का टाइम था तो मैंने क्या किया, अब होता क्या है कि बच्चे बोर्ड्स में ज़्यादा घुस जाते हैं क्योंकि उन्हें बोर्ड्स के मार्क्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, रिश्तेदारों को भी तो दिखाने हैं, तो बोर्ड्स में आप घुस जाओ उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन अब जेई मेन्स को छोड़ दो उसमें बहुत गलत बात है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बोर्ड्स की जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी चैप्टर आपका ट्वेल्थ में है वो आप एनसीईआरटी से खत्म करो और उसी चैप्टर का जेई मेन्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। आप बोर्ड से क्यों डर रहे हो, आप जेई मेन्स से क्यों डर रहे हो? आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी सिलेक्शन पक्की है, जब आपने कंसिस्टेंसी दिखाई है थ्रू आउट द ईयर तो आपकी सिलेक्शन तो गारंटीड होनी चाहिए उस पेपर में। अब आपको सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब ट्वेल्थ के बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी खत्म कीजिए, जो भी आपको बुक खत्म करनी है बोर्ड्स के लिए वो खत्म करो। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता बोर्ड्स का, आप बोर्ड्स की तैयारी कीजिए, उस बुक को खत्म करके आप जेई मेंस के क्वेश्चन लगाइए उसी पर्टिकुलर चैप्टर के। अब आप कह रहे हो मेंस के बाद 20 दिन रह जाएंगे, तो बेटा आप ऐसे मत सोचो कि आपको बोर्ड्स का कुछ आता ही नहीं है। जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो जेई मेंस के जो क्वेश्चन आप कर रहे हो लगा रहे हो 12th स्टैंडर्ड के, यार वो सीबीएसई में भी तो काम आएंगे। सीबीएसई में क्या है, कुछ भी नहीं है, सीबीएसई तो हलवा है अगर आप मेंस फोकस कर रहे हैं तो। डरने की कोई बात ही नहीं है, आप ये लिख रहे हो डर लग रहा है, भारत कोई डरने की बात नहीं है बेटा, बस आप अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो। पहले बोर्ड्स का जैसे एक चैप्टर की बात करते जैसे कि वेक्टर 3D की बात करते, आप वेक्टर एनसीईआरटी से ख़त्म करो, मुश्किल से 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। उसी वेक्टर का जेई मेन्स के क्वेश्चन लगा लो, वो जो आपने बोर्ड्स का कवर किया है बुक से वो भी तो आपका कवर अप होना चाहिए, वो भी तो आपको समझ आना चाहिए, वो भी तो आपका यूज होगा जेई मेन्स में, वो तो बेसिक है ना बेटा। तो आप बोर्ड्स का खत्म करके उसी चैप्टर के मेन्स के क्वेश्चन लगा लो, अभी से ही ये करना शुरू कर दो, आपको लास्ट के 20 दिनों में दिक्कत हो ही नहीं सकती, चांस ही नहीं बनेगा दिक्कत होने का। तो ऐसे मत डरो बिल्कुल भी, डर के आगे हार हो जाएगी वरना आप लोगों, डर का सामना करो उसको आराम से, जिस चीज से डर लग रहा है ना उसको टैकल कर लो यार, कितना डर लगेगा बस उसका सामना करो। आपको बोर्ड से डर लग रहा है, एनसीईआरटी अभी खत्म करके उसी के जेई मेंस के क्वेश्चन लपेट दो, बस वो भी खत्म हो गई और जेई मेंस की भी तैयारी आपके साथ साथ चल रही, टेंशन ही नहीं लेनी भाई लाइफ में। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। S1 S2 दो सर्कल है, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल, यानी कि लोकस का क्वेश्चन आ गया भाई। फिर से देखो लोकस इंपॉर्टेंट है भाई, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ वेरिएबल सर्कल S विच टचेस S1 इंटरनली एंड S2 एक्सटर्नली ऑलवेज पासिस थ्रू द पॉइंट, यानी कि मेरे को इसमें भी एक तरीके से लोकस निकालना है, किसका, S सर्कल का जो कि S1 को इंटरनली और S2 को एक्सटर्नली टच कर, बस इतनी सी बात है। इसका पहले ना डायग्राम बनाओ, सेंटर और रेडियस S1 का दिया है, S2 का भी सेंटर और रेडियस निकाल के डायग्राम बनाओ, फिर S सोचो कहाँ हुआ,
फिर एस को सोचो कहां होगा, देन प्रोसीड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, फटाफट प्रोसीड कीजिए, फटाफट कीजिए। डायग्राम बनाने के बाद दिमाग ज्यादा चलेगा, फटाफट कीजिएगा। मैं आप लोगों की हेल्प कर देता हूं डायग्राम में, 3 मिनट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन के। फटाफट पीते की रफ्तार से काम किया करो यार तुम लोग। S1 का रेडियस है 0.0, ये S1 है और रेडियस है 3, ठीक है जी। S2 का है 2.0, रेडियस है 1, ऐसा सर्कल बनेगा भाई अपना, ठीक है। दिस इज S2। अब S जो है इसको S1, S टचेज S1 इंटरनली, S1 को इंटरनली टच करा इसको एक्सटर्नली, ऐसा कुछ सर्कल बनना चाहिए आपका। ये है आपका S, ये है आपका S, तो आपको लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल निकालना है, यानी कि ये H कॉमा K दिया हुआ है आपको, ये H कॉमा K दिया हुआ है आपको, बस ये करना है आपको। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये O है, इसको मैं A मान लेता हूँ और इसको मैं P मान लेता हूँ, तो O P क्या हो जाएगा, ओपी। अगर सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं, फिर से इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल की बात आ गई है, अगर सर्कल्स इंटरनली टच करते हैं तो आप सिंपली बोल सकते हो आर वन माइनस आर टू विच इज 3 माइनस इसके रेडियस को ले लिए आर, 3 माइनस आर के बराबर आ गया ओपी, ओपी इज 3 माइनस आर, एंड ओपी जो होगा वो होगा रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस आर। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, दूसरी इक्वेशन आप समझ ही गए होंगे, S और S2 से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, S और S2 से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, तो वो बन जाएगा AP, AP कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2.0 है, रेडियस 1 है, तो AP हमारे पास हो जाएगा R प्लस 1, रेडियस प्लस 1, और AP है हमारे पास एच माइनस 2.0 है ना सेंटर, 2 का होल स्क्वायर प्लस के, 2.0 तो के का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू आर प्लस 1। बस ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें इक्वेशन ऑफ लोकस निकालनी थी सेंटर की, यानी कि एच कोमा के में हमें इक्वेशन चाहिए, एच कॉमा के में हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी है 1 और 2, हमें आर एक्स्ट्रा आ रहा है तो आर को एलिमिनेट करना है, आर को एलिमिनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं एडिंग द टू इक्वेशंस, तो 1 + 2 अगर मैं कर दूं यहां पर तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस रूट ओवर एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दिस इज द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल S, जिस S के बारे में हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं उसका ये लोकस है सेंटर ऑफ द सर्कल का, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। अब भाई हमें ये बताना था विच पासिस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से ये पास कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसको ना ऐसे लिख दो आप, एच के में तो यार सही नहीं रहता, एक्स और वाई में लिख देते हैं ना एच के को रिप्लेस करके, ताकि पॉइंट्स डालने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। अब मैं यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ 1 + -2, तो 1 डाला मैंने तो यहाँ पे मैं डी पॉइंट डाल रहा हूँ, डी पॉइंट डाला मैंने तो ये हो जाएगा 1 + 4, ये हो गया रूट 5, प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 डाला तो 1² + -2 तो 4, रूट फाइव इट्स नॉट इक्वल टू 4, तो ये नहीं बना, सी डालते हैं, सी डालूंगा तो ये बन जाएगा 2, डालूंगा तो ये बनेगा 4, और 3/2 का बन जाएगा 9/4, 9/4 का रूट प्लस ये बन जाएगा 2 डाला मैंने यहाँ पे तो 0, और ये बन जाएगा 9/4 का अंडर रूट, इसको सॉल्व करूँगा तो 16 + 9 = 25/4,
फाइव बाई टू बन जाएगा, ये फाइव बाई टू प्लस ये बन जाएगा थ्री बाई टू विच इज एट बाई टू विच इज फोर, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी विल बी माय आंसर। देखो लोकस का क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किस टॉपिक के ऊपर बेस था, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स, दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे तो सी वन सी टू आर वन माइनस आर टू के बराबर हो जाएगा, और अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो सी वन सी टू आर वन प्लस आर टू के बराबर हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी थी। दूसरी बात ये, अब यहाँ पे जब हमने डायग्राम बनाया तो मेरे को क्लियरली दिख गया कि भाई हमें इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल बनाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ध्यान रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में आप डायग्राम बना सकते हैं उसमें डायग्राम बनाइए, जितना अच्छा विजुअलाइजेशन आपका होगा डायग्रामेटिकली उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, उतनी जल्दी चांसेस बन जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व होने के। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये ध्यान रखना है आपको। आगे क्वेश्चन करते हैं, मेरे को नहीं लगता आप में से किसी को भी कोई डाउट होगा, आगे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेन 2021, मैं कहता हूं इससे आसान क्वेश्चन जेई मेन्स नहीं दे सकता, इससे आसान क्वेश्चन जेई मेन्स दे ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, दो मिनट है आपके पास, इतना सिंपल क्वेश्चन जेई मेन्स ने दिया है ना, मतलब हद कर दी उसने दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। जिसका ये क्वेश्चन बन गया मतलब समझ लो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना इसका मतलब आपको बहुत 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 ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस में से एक है जेई मेंस का, और वो भी लोकस के ऊपर है। सोच रहे हो आप लोकस के ऊपर इतना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ जेई मेंस ने। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर का सम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये चार पॉइंट दिए हुए हैं, इज 18 यूनिट, इज अ सर्कल ऑफ डायमीटर, डायमीटर निकालना है और उसका स्क्वायर करना है, बात खत्म, बस इतनी सी कहानी है। लोकस ऑफ अ पॉइंट है तो उस पॉइंट को पी मान लिया एच कॉमा के, बस खत्म, ये 0.0 है, ये 1.0 है, ये 0.1 है, और ये लास्ट पॉइंट 1.1 है। मैं यहाँ पे इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं प्लॉट कर रहा, क्योंकि हमें बस सिंपली डिस्टेंस के स्क्वायर का सम ही तो 18 करना है, आराम से हो जाएगा। फटाफट करिए, ट्राई कीजिए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आराम से बन जाएगा, और आप लोगों से ट्राई कीजिए फटाफट। फटाफट ट्राई कीजिए, वेरी वेरी इजी इट इज। तो डिस्टेंस के स्क्वायर का सम करना है हमें, तो सिंपली इसको मान लेता हूँ डी वन, इसको मान लेता हूँ डी टू, इसको मान लेता हूँ डी थ्री, इसको मान लेता हूँ डी फोर। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया डी वन का स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर प्लस डी थ्री का स्क्वायर प्लस डी फोर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18, ये बोला गया। डी वन का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस डी टू का स्क्वायर हो जाएगा एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसे डी थ्री का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस डी फोर का हो जाएगा एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे बनेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एच प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन प्लस एच स्क्वायर माइनस प्लस वन माइनस टू एच के स्क्वायर प्लस वन माइनस टू के इक्वल्स टू 18। यहाँ पर बन जाएगा एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, तो फोर एच स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच के साथ क्या आएगा माइनस टू एच
और माइनस टू एच माइनस फोर एच, माइनस फोर एच के साथ क्या आएगा, माइनस टू के माइनस टू के माइनस फोर के, और वन प्लस वन टू प्लस फोर, फोर इक्वल्स टू जीरो। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच माइनस के प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द गिवन पॉइंट बन गई, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब ये पॉइंट हमारे, सॉरी, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है, तो हम आराम से इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस हो जाएगा वन बाय टू का स्क्वायर प्लस वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारे पास आ जाएगा आराम से। अच्छा 18 भी तो था यहाँ पे, ये तभी तो ये गलती हो गई, यहाँ y आएगा तो यहाँ 18 था ना, 18 तो यहाँ पे इसको कर दो माइनस 14, माइनस 14 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस 4, 14 बाई फोर इज माइनस 7 बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पे रेडियस बन जाएगा 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 1 बाई टू का स्क्वायर प्लस 7 बाई टू, तो ये बना 1 बाई फोर, 1 बाई फोर 1 बाई टू, 8 बाई टू, 8 बाई टू का रूट इज 2, रेडियस 2, तो डायमीटर इज 4 एंड डायमीटर का स्क्वायर इज 16। मेरा आंसर आया है 16 यहाँ पर। इतना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन, वो भी लास्ट में जाके, कुछ भी नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई जेई मेंस का, मतलब क्यों ही दिया मेरे को समझ नहीं आया ये बात। चलो वट एवर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इफ द वेरिएबल लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू अल्फा लाइज बिटवीन टू सर्कल, मतलब दो सर्कल्स के बीच में लाई कर रही है विदाउट इंटरसेप्टिंग अ कॉर्ड ऑन आइदर सर्कल, मतलब कि वो जो सर्कल्स के बीच में, दो सर्कल्स के बीच में आपकी एक लाइन बनी हुई है, वो दोनों सर्कल पे कॉर्ड सबटेंड नहीं करेगी। वेरिएबल लाइन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू अल्फा सर्कल पर कॉर्ड नहीं बनाएगी, टेंजेंट बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा पूछ रहा है, सारी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा के बारे में ये पूछ रहा है, सबका सम पूछ रहा है बेसिकली। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जेई मेंस का, इस टाइप के क्वेश्चन डिजर्व करते हैं जेई मेंस में आने के लिए, बट अब तो बहुत ज़्यादा लेवल लो कर दिया जेई मेंस का, पर एक अच्छा क्वेश्चन एनटीए ने डाल दिया था 2021 में। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए फटाफट, और ये क्वेश्चन के लिए आपको मिल रहे हैं पूरे 3 मिनट, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। हरी अप, अटेम्प्टेड फास्ट। बच्चे अभी तो ब्रेक दिया था 1 बजे, अरे दोबारा 2 बजे ब्रेक फिर से, कार्तिक ऐसे करे हुए भाई। चलो अभी देता हूं मैं ब्रेक, देता हूं ये इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक, ठीक है कार्तिक, इस क्वेश्चन के बाद मैं ब्रेक दे दूंगा आपको 10 मिनट का। प्लीज ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए फटाफट, हरी अप, 3 मिनट, थोड़ा सा स्ट्रेच करो यार अपने आप को, अपनी लिमिट्स को ब्रेक करो। इस क्वेश्चन के बाद ब्रेक मिल जाएगा आपको 10 मिनट का, प्लीज इसको ट्राई कीजिए। बेटा डर से कुछ नहीं होगा, फैक्ट भारत, जेई मेंस में डर से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक कहानी बताता हूं, चलो मैं आपको ब्रेक दे दूंगा अभी। बेटा वीडियो ना आपको जब लाइव के सेक्शन में, जब लाइव रिकॉर्डिंग हमारी हो जाएगी, तो लाइव के सेक्शन के बाद जब आप चैनल में जाएंगे, लाइव लेक्चर के बाद जब आप चैनल पे जाएंगे, लाइव के सेक्शन में आपको ये वीडियो दिखाई देगी, वहां पे पीछे होके आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप बार बार कह रहे हैं आपको डर लग रहा है, बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, डर से क्या नुकसान होगा मैं आपको ये बताता हूँ। पहली चीज़ तो आपके पास खोने को कुछ है नहीं, दूसरी चीज़ जेई मेंस का एक जनवरी में अटेम्प्ट है, उसमें अपना 100% दो। कुछ दिक्कतें आपको लगेंगी, भाई हाँ मेरे को ये शॉर्टकमिंग्स थी मेरी पेपर में, एक तो टाइम की, या जो भी शॉर्टकमिंग आपको लगे, टाइम की, सिलेबस की, आपको इस चैप्टर में दिक्कत थी मैथ्स में, आपको सीक्वेंस सीरीज में दिक्कत रह गई, किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत लगे
उसको आने के बाद उस पर काम शुरू कर देना। अप्रैल में अटेम्प्ट है, वो आप फोड़ दोगे आराम से। तो डर के आप बार बार ये कह रहे हो डर लग रहा है, डर सबको लगता है बेटा। जब हमारा पेपर था हमें भी डर लगा था, मैंने तो बहुत ब्लंडरस मिस्टेक करी थी अपने पेपर के टाइम पे, इतना डर लगा था। मेरे साथ में जो बच्चे बैठे थे उनको इतना डर लगा, वो चक्कर खा के भी गिर गए, एक बच्चा कांपने भी लगा पेपर में, पेपर सस्पेंड कर दिया उसका। तो इसलिए डर के आपका नुकसान ही होगा। हाँ कार्तिक, तुम्हें कहानी सुननी है बेटा? हैं बेटा देखो, सिलेबस कवर नहीं सारा सिलेबस कवर नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, सारा मत करके जा, टेंशन ही मत ले, सारा करके ही मत जा। बट जो करके जा रहा है उसे ऐसे करके जा कि उस पे क्वेश्चन आएगा तो तू अटेम्प्ट करने लायक होगा। हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले कवर कर रहे हैं, तो तू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ दिमाग लगा अपना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ले बच्चे। 5 चैप्टर है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 5 चैप्टर से तेरे 5 क्वेश्चन बनेंगे। अगर उन 5 क्वेश्चन के 5 तेरे सही हो गए, लेट्स सपोज 4 भी तेरे सही हो गए, तो 20 मार्क्स वहां से आ गए। उसके बाद तेरे और भी ये जो हम हफ्ते में चैप्टर्स खत्म करेंगे, अभी हर हफ्ते हम 2-3 चैप्टर्स खत्म करेंगे, तो तेरे आराम से जब तक मैं हूँ तेरे साथ, जब तक हम ये लाइव लेक्चर्स चला रहे हैं, तेरे आराम से 50 मार्क्स बन जाएंगे। और थोड़ा सा तूने पहले किया हुआ है यार, तो आराम से तेरे 60-65 मार्क्स तो तेरे आराम से आ सकते हैं। सारा सिलेबस कवर मत करो अगर नहीं हो पा रहा, बट जो हो रहा है उसको क्लियर करो, अच्छे से क्लियर करो। डीसीई कार्तिक, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि डर से कितनी बड़ी ब्लंडरस मिस्टेक हो जाती है। जब मेरा पेपर था तो मैं इतना घबराया हुआ था, या कह लो इतना नोवाइस था, इतना बचकाना था उस वक्त में, कि मैं पेपर में लेट पहुंचा था। और पेपर में लेट पहुंचने के बाद हबड़ा तबड़ी में, घबराहट में, मैंने पेपर को कबाड़ा कर दिया, पेपर मेरा भी सस्पेंड हो गया था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, डर से होगा क्या, आपका ही नुकसान। तो अपने नुकसान आपका वैसे भी होना है, डर के भी होना है, तो बिना डरे कर ले यार जितना होना है तेरा नुकसान। नुकसान होगा नहीं तुम्हारा, आप डर से बस अपने नुकसान की इंटेंसिटी को एम्पलीफाई कर देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपका। आपसे आपके पास जितना भी टाइम है ना, उसको आराम से, मैंने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया हुआ है, 14 घंटे पर डे की स्टडी का टाइम बनाइए, 14 आवर्स पर डे पढ़िए और आराम से आपकी इम्प्रूवमेंट देखिएगा, कितनी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है आपके मार्क्स में कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप यही कहते रहोगे भाई डर लग रहा है, हमें टेंशन हो रही है, बोर्ड्स की टेंशन है, मेंस की टेंशन है, हमें यार कैसे होगा, पहली बार दे रहे हैं, डर लग रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा किसी भी चीज़ का, कोई भी फायदा नहीं है। तो आपको सिंपली बस चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, बस आपको मेहनत करनी है, इस वक्त सिर्फ मेहनत कीजिए। बिल्कुल सही, जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा। तो आपको बस आराम से जो आपको चैप्टर्स अच्छे लगते हैं, या हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है हर चैप्टर से, तो अभी हम जब कोऑर्डिनेट खत्म कर लेंगे ना, तो हम आपको मैथमेटिकल रीजनिंग कराएंगे, एक क्वेश्चन उसमें से आएगा, स्टैट्स की बात करेंगे, एक क्वेश्चन उसमें से आने के चांसेस है, ठीक है, वेक्टर 3D करेंगे, 2 या 3 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। अब NTA के ऊपर भाई कोई भूत पिशाच आ गया तो भाई वो 3-4 क्वेश्चन भी दे देता है एक चैप्टर से, ठीक है जी। तो बस ये उम्मीद रखो कि भाई जो चैप्टर हम करके आ रहे हैं वो हमसे 100% सही होना चाहिए, आगे पीछे हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब चुपचाप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ध्यान डाइवर्ट मत करो, ब्रेक चाहिए तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो अभी के अभी बेटा मैथ्स में तो थ्योरी देख है ही नहीं भारत, मैथ्स में तो थ्योरी है ही नहीं। कार्तिक लाइव क्लास के, आपकी बात सही है कार्तिक, लाइव क्लास के जो मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, इसके बाद जैसे मान लो ये क्लास 3 घंटे की चली, 3 घंटे की लाइव क्लास के बाद, उस 14 घंटे में से 3 घंटे माइनस कर देना यार अपने, 11 घंटे बचे, उस 11 घंटे को तो पढ़ बच्चे अच्छे से, ब्रेक ले लेके 1 घंटा पढ़ 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटा पढ़ 10 मिनट का ब्रेक,
फिर एक घंटा पांच मिनट का ब्रेक, ऐसे तीनों सब्जेक्ट पीसीएम तीनों के तीनों करने पर, ये ध्यान रखना, तभी जाके बात बनेगी, वरना नहीं, वरना दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। चलिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। भारत बोर्ड्स की टेंशन नहीं ले बच्चे, मैंने देखो बताया ना, तू सीबीएसई पर फिर जेई मेंस की तैयारी कर, उसी चैप्टर आराम से तेरी जो बोर्ड्स की दिक्कत है वो भी ठीक हो जाएगी, और तेरी जेई मेंस की जो डर लग रहा है तेरे को वो भी कवर अप होता रहेगा। बट इंस्टेंटली नहीं होएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, बट करेगा तभी होएगा। सोचने से, घबराने से, डरने से कुछ नहीं मिलना भाई किसी को भी, आज तक कुछ किसी का फायदा नहीं हुआ घबराने से डरने से। अब इस क्वेश्चन को करो भाई जल्दी फटाफट करो, चलो बहुत देर हो गई है, फिर तुम्हें एक मस्ती कहानी सुनाऊंगा रियल लाइफ के ऊपर। चलिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है, सेंटर जो है हमें दे दिया है, C1 सर्कल का सेंटर हो जाएगा हमारे पास 1,1 और रेडियस हो जाएगा हमारे पास 1। ऐसे C2 हो जाएगा हमारे पास 9,1 और R2 हो जाएगा 2। ये दो सर्कल्स मेरे को दिए हुए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कॉर्ड जो है वो आपकी, सॉरी कॉर्ड बोल दिया मैंने, कॉर्ड नहीं, ये जो आपकी लाइन है, एक सर्कल मेरे पास यहाँ है, इन दोनों के बीच में कॉर्ड लाई कर रही है, कॉर्ड घूम रही है भाई, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा कॉर्ड का वो ऑब्वियसली रेडियस से ज़्यादा होगा। सेंटर से जो डिस्टेंस होगा लाइन का, मैं बार बार कॉर्ड बोल रहा हूँ, कॉर्ड नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन कह रहा है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा लाइन का वो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल से ज़्यादा होना चाहिए, तो लाइन जो है वो आपकी सर्कल के बाहर लाई करेगी। ये कंसेप्ट इसमें एक लगेगा ही लगेगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे बात बनेगी, लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है 3x + 4y = α। अब सेंटर मेरे पास है 9,1, सेंटर मेरे पास है 9,1 और रेडियस है 2, यहाँ पे है 1,1 और रेडियस है 1। तो एक इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी, 9 और 1 यहाँ पे डाल देता हूँ, तो 27 + 4 - α / 5 का मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा बड़ा होगा 2 से, वो हमारा बड़ा होगा 2 से, या बराबर भी हो सकता है 2 के, टेंजेंट भी बन सकती है। एक कंडीशन ये आ गई, एक कंडीशन मेरे पास आ जाएगी, 1,1 डालेंगे तो 3 + 4 - α / 5 का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि वो एक सर्कल 1 के से भी बाहर होनी चाहिए। कार्तिक पाकिस्तान के पीएम को छोड़ दे, ये क्वेश्चन देख बच्चे। अब सर्कल 1 के, सर्कल 1 से लाइन टेंजेंट बन सकती है या उसके बाहर होगी, डिस्टेंस से ज़्यादा होगी। सिमिलरली सर्कल 2 के साथ ये बात बन गई, तो यहाँ दोनों से अगर मैं सॉल्व करूँगा इससे, तो ये बनेगा मेरे पास 31 - α का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और यहाँ पे बात बन जाएगी मेरे पास 7 - α इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, बन जाएगा α - 7 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, α - 31 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो α - 31 जो होगा वो 10 से बड़ा होगा या -10 से बड़ा होगा या -10 से छोटा होगा, या फिर α - 31 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 41 आ गई, या अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 21 आ जाएगी। तो यानी कि अल्फा जो है मेरा बिलोंग करेगा -∞ से 21 union 41 से infinity। अब अल्फा -7 जो है 5 से बड़ा है,
अल्फा फाइव माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव आएगा, या फिर अल्फा माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू माइनस फाइव आएगा। अल्फा लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, टू, या अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, ट्वेल्व। तो यानी कि अल्फा बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से टू यूनियन ट्वेल्व से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से टू ट्वेल्व से इन्फिनिटी। अब एक बात और है यार कि देखो अगर ये लाइन यहां की बजाय यहां कहीं हो जाए तो भी तो ये दोनों सिचुएशन जस्टिफाइड होंगी। अगर ये लाइन यहां पे हो जाए या यहां पे हो जाए तो भी ये दोनों सिचुएशन जस्टिफाइड होंगी। बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लाइन जो है सर्कल के बीचों बीच होनी चाहिए, तो ये दो कंडीशन जो हमने यहां लगाई है, ये दो कंडीशन ये सफिशियंट नहीं थी, काफी नहीं है। तो हमारे पास दो आंसर तो आ गए, हमारे पास ये आ गया है, ये आ गया है। अब हमें दूसरी कंडीशन भी लगानी पड़ेगी, एंड दैट इज सर्कल्स के बीच में है लाइन, तो सेंटर्स जो है वो लाइन के ऑपोजिट साइड्स लाई कर रहे हैं। तो सेंटर्स लाइन के ऑपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, तो मैं उससे कंडीशन लगा सकता हूँ। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था पॉइंट्स लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, तो वो कंडीशन लगाते हैं हम। तो ये बन जाएगा 27 प्लस 4 माइनस अल्फा इंटू 1 कॉमा 1 डालेंगे तो 3 प्लस 4 माइनस अल्फा इज लेस देन 0, इज लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों, क्योंकि पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 31 माइनस अल्फा 7 माइनस अल्फा लेस देन 0, तो अल्फा माइनस 31 और अल्फा माइनस 7 इज लेस देन 0 ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे से हमारे पास आंसर आ जाएगा 31 7, अल्फा जो है हमारा 7 से 31, अल्फा जो है हमारे पास आ गया 7 से 31, और अल्फा हमारे पास ये भी है और अल्फा हमारे पास ये भी है, इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये 1 ये 2 और ये 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से मैं क्या कह सकता हूँ, 7 से 31 7 से 31 चाहिए, तो 12 से 31 और 21 आ रहा है, तो 12 से 31 तो ये आ जाएगा 12 से 21। हमारे पास अल्फा जो आ जाएगा इंटरसेक्शन का वो आ जाएगा 12 से 31। अब मेरे से पूछा सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज, ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज का सम क्या आएगा भाई यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा 12, हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 13 प्लस कहाँ तक, 31 तक, और ये सम हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 12 से 31 का सम चाहिए ना हमें, 31 भी चाहिए हमें, तो नहीं 21 है ना, सॉरी ये 21 आएगा, 31 नहीं आएगा, ये 12 से 21 आएगा, ये 21 यहाँ पे देखो ये आ रहा है ना, 31 दिया यहाँ 21, तो 12 से 21 तक का सम चाहिए हमें, तो ये बन जाएगा 12 से 21। वेरी गुड कार्तिक, अपोजिट साइड वाली बात आ गई। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, 21 माइनस 12 ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो ये हो जाएगा 10 n बाय 2 12 प्लस 21 विच विल बी 33 इंटू 5 विच विल बी 15 165 इज द आंसर। इसका आंसर आया है 165। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसको कंसेप्ट देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल वाला या टेंजेंट वाला कंसेप्ट भी आप बोल सकते हो। ये दो कंसेप्ट जो है यहाँ पे, ये टेंजेंट वाले लगे हैं, क्योंकि भाई टेंजेंट होगी या लाइन उससे बाहर होगी, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लाइन शुड बी ग्रेटर देन रेडियस, तो वो टेंजेंट या टेंजेंट के बाहर बनेगी लाइन, ये दो उसके, और लाइन दोनों सर्कल के बीच में हो तो ये वाला कंसेप्ट जो कि है लाइंग पॉइंट्स लाइंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइन। ये आप सबको समझ आ गया है, कमेंट्स करके बताइए फटाफट फटाफट कमेंट्स कीजिए, ये समझ आ गया है, थम्स अप दिखाइए फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर
हरी अप। जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट, हरी अप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ये क्वेश्चन है कि वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल दिस इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल सी। गिवन सर्कल का एक डायमीटर जो है वो दूसरे सर्कल का कॉर्ड है, हुज सेंटर इज 2.1, उसका रेडियस मेरे को बताना है, सिर्फ रेडियस मेरे को बताना है बस। बहुत ही सिंपल, बहुत ही निचले स्तर का क्वेश्चन है ये, अटेम्प्ट कीजिए। ओके कार्तिक, फटाफट इसको अटेम्प्ट कर ले। ये क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लग रहा है, ये कंसेप्ट हमने आज की क्लास में पहले भी किया है। फटाफट इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, ये कंसेप्ट हमने आज ही पहले भी किया है। इसका सेंटर लिख देते हैं 1.3, रेडियस लिख देते हैं 1 + 9 - 6 विच इज 4 का रूट विच इज 2। तो हमारे पास ये बन जाएगा x² वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ दिस इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल दिस। तो ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, रेडियस 2 है, तो यार ये 4 हो गया ना, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, दिस इज 2 × ये 2 है। ये सेंटर हमें दिया हुआ है 2.1, हमें बताना है इसका रेडियस, यानी कि ये मेरे को बताना है, ये आर मेरे को बताना है, आर, ये आर मेरे को बताना है। फटाफट बताइएगा जरा, फटाफट कोशिश कीजिए आर की, कैसे निकाल सकते हैं हम आर। इसमें इसका सेंटर है 1.3, ये सेंटर है 1.3, 1.3 सेंटर है आर, हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। प्लीज जल्दी आंसर बताइए, ये क्वेश्चन नहीं हुआ इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। ये क्वेश्चन होना चाहिए सबसे, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस आर और आपको ये दिया हुआ है, सब कुछ स्पष्ट आंखों से नेत्रों से आपको दिख सकता है। कृपया करें अपने ऊपर और मेरे ऊपर और ये क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी करिए। देखो ना यार कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, और आप लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, देखो जल्दी बता दो। चलो करते हैं फिर इसी बात पे। ये डिस्टेंस मेरे को पता लग गया कितना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये डिस्टेंस अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच इज 4 + 1 का अंडर रूट विच इज √5। ये हो गया √5, ये √5 हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, r² = 2² + √5 का होल स्क्वायर विच विल बी 4 + 5 r², तो r हो गया 9 का रूट विच इज 3। तो द आंसर इज अपना 3 आंसर हो गया हमारे पास। फटाफट कोई भी डाउट है, इस क्वेश्चन में ऐसे डाउट बनेगा नहीं पर फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, कोई डाउट है तो प्लीज जल्दी से बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका बनना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस टू द सर्कल दिस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट है, उस पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट मारिए, उस टेंजेंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनिए, उसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए, बस बताइए। चलो आपको मैं ब्रेक देता हूँ, ब्रेक में आप ये ट्राई कर सकते हैं, ब्रेक है आपके पास 15 मिनट्स का। फिफ्टीन मिनट का ब्रेक नहीं,
10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर रेज्यूम है 2:25, ठीक है। कार्तिक आपको ब्रेक मिल गया, फटाफट जाइए और फ्रेश होके आइए, मुंह धो के जरूर आना भाई, एकदम एनर्जी के साथ बैठना, जोश के साथ। 10 मिनट का ब्रेक है गाइज।
आई एम बैक बच्चों। तो अब क्या ये क्लास करना ठीक होगा? नहीं डेली बीट्स आप नाइन्थ में हो बच्चे, ये क्लास आपको नहीं समझ में आएगी अभी। मेरा मतलब अगर आप जैन वाली अटेम्प्ट के बाद ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ाओगे तो मैं तब ज्वाइन करूँगा। बच्चे अगर आपको पढ़ना है ना नाइन्थ में रह के, तो आपको स्टार्टिंग ऑफ इलेवेंथ से स्टार्ट करना पड़ेगा, या आप नाइन्थ में रह के टेंथ कर लीजिए, उसके बाद आप इलेवेंथ के टॉपिक्स मेरे से पढ़ सकते हैं, डिटेल में ही मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है? तो आप तब तक सिर्फ और सिर्फ नाइन्थ और टेंथ ख़त्म करिए, उसके बाद इलेवेंथ पे बात करेंगे। आप सीधा इलेवेंथ पे नहीं आइएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन बना किसी से? हाँ जी बना किसी का, चलिए करते हैं बात। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कोण ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। यानी कि एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर 0 0 है, और हमें एक लाइन पे पॉइंट है, लाइन पर पॉइंट मैं मान लेता हूँ अल्फा कॉमा बीटा। लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ये लाइन जा रही है, इससे मैंने टेंजेंट बनाई है इस सर्कल के ऊपर, तो ये है और ये। तो अब ये दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा तो दिस इज माय कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ये 0 0 है। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन अगर मेरे को यहाँ से निकालनी है तो दैट विल बी टी इक्वल्स टू 0। अब एच कोमा के मेरा इसका मिड पॉइंट है, मेरे को मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो एच कोमा के ये पॉइंट हो गया, एच कोमा के हमारे कॉर्ड का मिड पॉइंट मैंने मान लिया। अब इस कॉर्ड की इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी टी इक्वल्स टू 0 से, एंड दैट विल बी एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब एच कोमा के इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एच अल्फा प्लस के बीटा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब दूसरी, ये मिड पॉइंट मेरे को दिया हुआ एच कोमा के, तो टी इक्वल टू एस वन से भी, तो टी इक्वल टू एस वन से भी तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या कोड व्हेन द मिड पॉइंट इज गिवन की इक्वेशन आ सकती है। तो टी इक्वल्स टू एस वन अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ये बनेगा हमारे पास एच एक्स प्लस के वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, एस वन का मतलब हो जाएगा एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर माइनस 9। तो इसका मतलब एच एक्स प्लस के वाई माइनस एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर ये बन जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन, और अगर मैं बात करूं तो ये इक्वेशन यहां पे से ये हटा देते, ये दोनों आपको समझ आएंगी, ये दोनों इक्वेशन ये सेम है। एच कोमा के मैंने जो यहाँ पे सेटिस्फाई कराया था वो यहाँ पे से हटा देते हैं, ये दोनों इक्वेशन सेम है। जब भी इक्वेशन सेम होती है, मैंने आपको बताया हुआ है कि कंपेयर कर सकते हैं आप इक्वेशंस के कोफिशियंट्स। तो यहाँ पे से हमारे पास बात बन जाएगी अल्फा बाय एच इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन के इज इक्वल्स टू माइनस 9 अपॉन माइनस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू अगर निकालूँ तो वो बनेगी एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 9h अपॉन दिस, और बीटा की वैल्यू अगर निकालूँ तो वो बनेगी 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब अल्फा बीटा मेरे पास एच के की टर्म्स में है, और ये अल्फा बीटा लाइन के ऊपर लाई कर रहा था, तो ये 4 अल्फा माइनस 5 बीटा इक्वल्स टू 20 को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा बीटा को यहाँ डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 9h बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 5 इंटू बीटा का मतलब हो गया 9k अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 45h माइनस सॉरी
36H माइनस 45K इक्वल्स टू 20 H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे एक ही तरफ ले जाते हैं तो ये बनेगा 20 H और K को एक्स वाई रिस्पेक्टिवली डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 45Y माइनस 36X इक्वल टू जीरो। और ये हमारा कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये हमारी सबसे पहले वाली इक्वेशन जो है वो आंसर आ रहा है हमारा, सबसे पहली वाली इक्वेशन जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हुए ए अप ए कॉमा वन बाई बी कॉमा वन बाई बी सी कॉमा वन बाई सी डी कॉमा वन बाई डी, लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे ये लाई कर रहे हैं, ए बी सी डी जीरो के बराबर नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की वैल्यू मेरे को बतानी। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपके पास दो मिनट है। इसका हिंट मैं आपको देता हूँ, आप सोचिए जरा, इसका हिंट मैं आपको देता हूँ, आप सोचो। इसका हिंट है, ध्यान से देखिए, पॉइंट्स जो हैं, पॉइंट्स जो है वो सारे के सारे m कॉमा वन बाय m फॉर्म के, m कॉमा वन बाय m फॉर्म के सारे पॉइंट्स। बेसिकली जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर वो m कॉमा वन बाय m है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब m कॉमा वन बाय m अगर मैं इसके इसके अंदर सब्सटीट्यूट करता हूं तो वो बनेगा m स्क्वायर प्लस वन अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस टू जी एम प्लस टू एफ वन बाय m प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से आगे मेरे को प्रोसीड करना है तो बेसिकली मैं इसका एलसीएम लेता हूं, एम की पावर फोर प्लस वन प्लस टू जी एम क्यूब प्लस टू एफ एम प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। इसको ऑर्डर में लिखता हूँ डिक्रीजिंग पावर के, एम की पावर फोर प्लस टू जी एम क्यूब प्लस सी एम स्क्वायर प्लस टू एफ एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एम के चार रूट्स आएंगे और हमें चार पॉइंट्स दिए हुए हैं तो बेसिकली यहाँ पे इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे ए बी सी और डी, ए बी सी डी इसके रूट्स होंगे, ए बी सी डी इसके रूट्स अगर हैं तो एम वन, या एक काम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा हमसे पूछ रहा है ए बी सी डी की वैल्यू, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ से वन, माइनस प्लस माइनस प्लस वो करते हैं ना, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम माइनस सॉरी प्लस सी बाय ए एंड सो ऑन। तो वहां से ए प्लस ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी आ गया वन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ चुका है वन, और यही हमें चाहिए था तो हमारे पास आंसर आ गया है सिंपल वन। आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना इन विच कॉर्ड ऑफ लेंथ रूट टू मेक्स एंगल पाई बाय टू एट सेंटर, मतलब कॉर्ड की लेंथ आपको दी हुई है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे वो आपको दिया हुआ है, और आपको उस सर्कल का एरिया निकालना है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए, इसके लिए आपके पास मिलता है सिर्फ एक मिनट का क्वेश्चन है ये, अगर आप करना चाहें फटाफट हो सकता है ये। मैं आपको इसका डायग्राम बना के दे देता हूँ, बस ये सर्कल है, कॉर्ड की लेंथ है हमारे पास रूट टू, कॉर्ड की लेंथ है रूट टू, ये पाई बाय टू एंगल बनाता है सेंटर पे, ये हो गया है पाई बाय टू, तो ये एंगल जो परपेंडिकुलर डालने के बाद बनेगा, ये बनेगा पाई अपॉन फोर, ये बनेगा पाई अपॉन फोर, ये है रेडियस
ये रूट टू है तो ये हो जाएगा रूट टू बाई टू। यहाँ पे सिंपली हम साइन या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा देते हैं या ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, साइन पाई बाय फोर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच विल बी रूट टू बाय टू अपॉन हाइपोटेन्यूज आर। आर यहाँ से सॉल्व करेंगे वन बाय रूट टू इक्वल्स टू रूट टू बाय टू आर, यहाँ से आर आ गया वन और आर वन आया तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल हम आराम से पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं और पाई स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास आंसर आ गया है विच इज आंसर नंबर सी। तो सी हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन सॉल्व कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ये निकालना था हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड इट इज अ गुड क्वेश्चन। अ लाइन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, लाइन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट अ ट्राइंगल ओ ए बी, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द टेंजेंट एंड ओरिजिन टू द सर्कल आर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें बता। तो कुछ ऐसी बात है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक लाइन है ए बी पे मीट कर रही है, तो एक सर्कल बना देते हैं। ये सर्कल जो है ओरिजिन से भी पास कर रहा है, तो इस लाइन को चेंज करना पड़ेगा हमें कुछ। तो ये ऐसे लाइन है, ये हमारे पास है पॉइंट ए, ये पॉइंट है हमारे पास बी विच इज 0, बी विच इज ए कॉमा जीरो, तो ये हमारे पास है 0, 0, इस पर टेंजेंट है ये, इस पर टेंजेंट है, ये 3, 4 डिस्टेंस है, तो ये कुछ अलग बन गया है डायग्राम, थोड़ा सा अलग बन रहा है यहाँ पे बच्चों, डायग्राम को ठीक कर देता हूँ। ये है यहाँ पे, ये टेंजेंट है, ये हमारे पास 3 डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये मेरे पास दिया हुआ डिस्टेंस 4, मेरे को बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ये ए कॉमा जीरो है, ये 0, b, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। ए और बी की वैल्यू चाहिए मेरे को बस। इक्वेशन ऑफ सर्कल आप निकाल सकते हैं इससे, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। ए बी जो है वो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है एक तरीके से, तो ए बी डायमीटर हुआ, ए बी के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट्स जब दिए होते हैं तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आराम से आ जाती है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास बन जाएगी x माइनस ए इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो। ये आ गए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई है सर्कल की। अब इस ओरिजिन पे मेरे को टेंजेंट चाहिए, तो 0, 0 पे टेंजेंट चाहिए, तो इसकी इक्वेशन रहेगी टी इक्वल्स टू जीरो विच इज 0x + 0y माइनस ए एक्स प्लस 0/2 माइनस बी वाई प्लस 0/2 इक्वल्स टू जीरो। ये हो जाएगी माइनस ए एक्स बाई टू माइनस बी वाई बाई टू इक्वल्स टू जीरो, ये होगी ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे ये कह रहा है ए कॉमा जीरो का टेंजेंट से जो डिस्टेंस है वो है 3। ए कॉमा जीरो का टेंजेंट से डिस्टेंस है 3, तो मैं यहाँ पे सिंपल बोल सकता हूँ कि वो बन रहा है हमारा ए कॉमा जीरो, यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे तो ए कॉमा ए प्लस 0/√ a² + b²
मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 3, विच इज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। अब दूसरा 0, b को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से ये बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 7, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हुआ 49। तो 49 इज माई आंसर, फाइनल आंसर। अब आज के लिए इतना ही। आप लोगों को घर जाके, घर पे ही हो आप सब लोग, आप लोगों को घर पे अब सर्कल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आज के दिन में, और सर्कल पे फाइनल हैमर मारना है कि भाई हमारा सर्कल हो चुका। मीनवाइल कोई क्वेश्चन आपको दिख जाए, कोई आपसे पूछ ले, तो वो आप अटेम्प्ट करिए। सर्कल को दोबारा रिवाइज एकदम लास्ट में करिएगा, जो भी आपको रिविजन करनी होगी। फाइनल हैमर आज ही रख देना सर्कल के ऊपर। ये सर्कल के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेक्चर आपको पहले दे दिया था, उसको एक बार और गो थ्रू कर लेना अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है। और अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। और अब आपको सिर्फ जाके प्रैक्टिस करनी है किसकी, सर्कल्स की। और स्ट्रेट लाइंस हो चुका है हमारा, तो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट जो सर्कल में लगेंगे वो भी आप लगा सकते हैं बहुत ही ईजीली। आप लोग अब जाइए आराम से सर्कल पे फाइनल हैमर मार दीजिए।